हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यू वाला स्टूडेंट्स मेरा नाम नानकी पवेजा है एंड आई थिंक आप हमारा बहुत बार पहले भी इंटरेक्शन हो चुका है एंड उसी इंटरेक्शन में मुझे समझ आई विद द हेवी डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स कि मैम एक पूरी इकोनमी की सीरीज़ लेके आइए जिसमें आपने फ्रॉम ज़ीरो दैट इज़ फ्रॉम स्क्रैच टू दी हंड्रेड आपने पढ़ाया हो एंड दैट इज़ हेयर ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से श्री गणेश करने वाले हैं हम अपनी नई सीरीज़ का जिसमें बेसिकली uh, एक समरी को समझ लीजिए नॉट द समरी बट इसमें जितनी भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं इकॉनमी की उसका काइंड kind ऑफ of आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा एक ही जगह जितनी भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हम यूपीएससी के लिए कंसिडर करते हैं फ्रॉम दी सब्जेक्ट इकॉनमी आपको यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगी सो दैट यू नॉट डू नॉट हैव टू वॉन्ड यू डू नॉट हैव टू रेफर मल्टीपल बुक्स फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ़ दी यू एग्ज़ाम्स अब क्लास में होगा क्या सो so बेसिकली आपको हफ्ते में तीन बार इसकी जो है क्लासेस प्रोवाइड करी जाएगी दैट इज फ्री फॉर एवरी वन टू वॉच क्लास का मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ कि हम क्लास में क्या बात करने वाले हैं किस तरीके से क्लास रोल करेगी सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो ठीक है ना दैट इज़ वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक ठीक है ना एंड देन वील गो टू हंड्रेड ठीक है ना जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जितना कुछ भी आपको जानना ज़रूरी है फॉर द यू एग्जाम फ्रॉम बोथ प्रिलंस प्लस मेन्स पर्स्पेक्टिव ठीक है वो मैं आपको कवर करवाऊंगी इन दिस एंटायर सीरीज़ साथ में बीच बीच में जहाँ पे भी टॉपिक वाइज पी वाई क्यूज भी सो दैट यू फील अ सेंस ऑफ कंप्लीसन ठीक है ना जब आप आप टॉपिक कर रहे हो उससे एसोसिएटेड कोई भी पी वाई क्यू है वो तो होगा हो ही होगा प्लस आपके साथ में डिस्कस करूंगी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑल्सो ठीक है ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में दिया करूँगी ठीक है ना मान लीजिए जो, जो अभी Uh, आज की क्लास है उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे कुछ पी वाई क्यूज होंगे पी वाई क्यू में डेफिनेटली डिस्कस करूंगी बट जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे दैट इज़ फॉर यू टू सॉल्व एंड प्रोवाइड मी दी आंसर इन दी कमेंट बॉक्स जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्टेड हैं बहुत टाइम से मेरी वो सेशंस को देखते हैं Uh, उन्हें अच्छे से पता होगा भली बात ही पता होगा कि मैं कमेंट बॉक्स में जितने बच्चे रिप्लाई करते हैं मैसेज uh, करते हैं आई आई टेंड टू रिप्लाई टू दी मोस्ट ऑफ़ देम इफ़ नॉट रिप्लाई पर्सनली एटलीस्ट जहाँ पे कोई चीज़ सही लिखी होती है मैं लाइक बटन ज़रूर दबा देती हूँ सो वॉट आई एक्सपेक्ट द लीस्ट आउट ऑफ यू इज़ कि प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं बेटा जी उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग प्रोवाइड करोगे इन दी क्लास इट्सल्फ और आफ्टर दी क्लास ठीक है ना ऑल्सो इन बिटवीन जैसे जैसे हम अपने मेन्स का मेन्स का फाउंडेशन मतलब मेन्स के लिए प्रिपेसन जैसे जैसे आगे चैप्टर्स आएंगे मेन्स वाले चैप्टर आएंगे जैसे एग्रीकल्चर आ गया इन्वेस्टमेंट बॉर्डल्स आ गए तो उसमें मेन्स के भी किस तरीके से क्वेश्चन को हम टैकल कर सकते हैं ये सारी चीज़ें भी इस सीरीज में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ सो so, अब आपको करना क्या है अच्छा बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम हम इसके नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं ठीक है ना इट इज़ एंटायरली ऑन यू टू मेक नोट्स यू कैन स्कीप ऑल्सो ठीक है ना वाई बिकॉज आपको इसकी जो पी डी एफ है जो हमारी क्लास में पी पी टी रन करेगी इसकी पी डी एफ विच इज हैंड रिटन बाई मी ठीक है ना वो आपको पी डब्ल्यू के ऐप पर मिल जाएगी यू कैन फाइंड इट अपलोडेड ओवर देयर सो यू डोट नाट हैव टू वरी ऑन दैट इज़ वेल तो आप उसी में इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो खुद के नोट्स बनाने हैं मेरी क्लास के बट प्लीज़ जो पी पीपीटी पे लिखा है उसको वर्ड टू वर्ड अपने नोट्स में उतारने की ज़रूरत नहीं है वो तो आपको पीडीएफ डी मिल ही जाएगा ना सो इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम जो चीज़ आपको लगती है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मैम ने समझाया था इसको मुझे लिखने की ज़रूरत है अदरवाइज तो मैं बार बार भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी या मुझे समझने की ज़रूरत है कि एग्जाम्पल क्या दिया था उसको लिखिए ठीक है ना सो दिस इज़ वॉट दिस एंटायर सीरीज़ विल कंप्राइज ऑफ सो नाउ लेट स्टार्ट नाउ लेट इज स्टार्ट विद द फुलथुजियाजम एंड ऑल्सो विद द पॉजिटिव माइंड सेट कि इकॉनमी जो है वो टफ सब्जेक्ट नहीं है वो टिपिकल सब्जेक्ट नहीं है इट इज़ जस्ट लिटिल टेक्निकल बिल्कुल मैं अग्री कर रही हूँ टेक्निकल सब्जेक्ट है इकोनॉमी क्यों टेक्निकल है क्योंकि बहुत सारे उसमें टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स आते हैं जब तक आप उन टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं रहे हो तो आपके लिए इकोनॉमी समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है एज़ कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स अब ये टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को ये जो बेसिक्स है ये कहाँ क्लियर करें इसके लिए यूट्यूब चैनल ऑफ यू वाला पे एन सीरीज नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक एन की सीरीज इकोनॉमी की किताब मैंने पढ़ाई हुई है खुद से जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है देर आर सर्टन मोर चैप्टर्स इन 9 टू ट्वेल्थ वाली एन जो इम्पॉर्टेंट नहीं है जो जिनमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं आई हैव टोटली स्किप्ड बच्चों को ये रहता है कि मैम वो जो चैप्टर्स नहीं कराए हैं क्या वो हमें खुद से करने हैं या ऑल टुगेदर छोड़ने हैं ऑल टुगेदर छोड़ने हैं क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट था वो ऑलरेडी कवर कराया जा चुका है इन केस अगर अभी भी आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अपने बेसिक्स के ऊपर तो जाइए उन बेसिक्स को एक बार ब्रश अप कीजिए कहाँ से नाइन्थ से लेके जो ट्वेल्थ की एनसीईआरटी है वो देखने के बाद डेफिनेटली ये सीरीज़ इसमें भी बेसिक्स के ऊपर फिर से टच अप ऑन करूँगी बट जहाँ जितने अच्छे से बेसिक्स वहाँ कवर हुए हैं जहाँ वो फाउंडेशन जो नींव रखनी ज़रूरी है वो आपको कहाँ मिलेगा वो आपको एन जो आपको एक मस्ट और मैंडेटरी है कवर करना ठीक है ना चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आ, इस जर्नी के साथ फ्रॉम द क्वेश्चन की सबसे पहले ही हमें सब्जेक्ट पढ़ना ही क्यों है तो आप कहोगे मैम पढ़ना इसलिए है क्योंकि भाई यू में दिया हुआ है इतना और हर बार हमने जब पी वाई देखे तो पंद्रह से बीस क्वेश्चन आ जाते हैं अब इसलिए मुझीब झेलनी पड़ रही है राइट इसका आंसर ये नहीं है वाई डि दिस सब्जेक्ट वाई डू वी हैव टू स्टडी दिस सब्जेक्ट और हाउ डिड दिस सब्जेक्ट इवॉल्व ये सब्जेक्ट इवॉल्व क्यों हुआ इसका एक टूक जवाब मैं आपको बताऊं तो ये है कि जो रिसोर्सेज हैं पहली बात तो रिसोर्सेज क्या होता है रिसोर्सेज पढ़ा है ना हमने मैन मेड रिसोर्स होते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं दो तरीके के होते हैं देर आर मैन मेड रिसोर्सेज ठीक है ना देर आर मैन मेड रिसोर्सेज ठीक है ना जो इंसान द्वारा बनाए गए हैं देर आर मैन मेड रिसोर्सेज देर आर नेचुरल रिसोर्सेज भगवान की देने वो ठीक है ना नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृति में अपने आप पाए जाते हैं इंसान द्वारा नहीं बनाए जाते जैसे कि फॉसल फ्यूल जैसे कि सनलाइट जैसे कि एयर जैसे कि लैंड क्या इंसान लैंड बना पाया आज तक नहीं लैंड की लेवलिंग कर का ही है लैंड का थोड़ा बहुत एक्सटेंशन कर सकते हैं कि भाई दो फीट का था तो उसको ढाई फीट का कर दिया आपने देखा कि लैंड ला, क्रिएट कर रहा है ह्यूमन नहीं ना मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि लेबर इट्स ठीक है ना लेबर हो गया पेट्रोल हो गया कुछ भी ले लो पेट्रोल हो गया मशीनरी हो गई यू कैन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए डीज आर ऑल मैन मेड रिसोर्सेज ठीक है ना इंसान ने बनाए हैं ये रिसोर्सेज बीज बोता है तो गन्ना उगता है बीज बोता है तो आलू उगता है बीज बो देता है तो प्याज उग जाता है मैन मेड रिसोर्सेज ठीक है ना बिस्किट टीवी फ्रिज ये जो पेन में यूज़ कर रही हूँ जो मोबाइल में यूज़ कर रही हूँ ठीक है ना तो हम बात क्या कर रहे थे हम बात बेसिकली ये कर रहे थे ये आपको मैंने समझाया रिसोर्स का कॉन्सेप्ट अब पीछे चलो ये सारी चीज़ें आपको पता है बस आपको इनको एक तरीके से मोती की माला में पिरोना है ठीक है ना सो so हाउ और वाई डिड दिस सब्जेक्ट इवॉल्व उसका आंसर क्या है रिसोर्सेज एक है और इच्छाएं अनेक है ठीक है ना मेरी पॉकेट मनी पाँच हज़ार रुपये है ठीक है ना लेकिन मेरी जो इच्छाएँ रिसोर्सेज क्या है मेरे पास सिर्फ पाँच हज़ार रुपये हैं उसमें से मुझे पीजी का रेंट देना है मुझे फोटोकॉपी का, का खर्चा निकालना है मुझे अपनी सहेली को गिफ्ट लेके देना है मुझे स्टेशनरी का भी खर्चा निकालना है मुझे अपनी स्कूटी में दो सौ का पेट्रोल भी डलवाना है ठीक है ना कई बार अच्छी मूवी रिलीज़ हो जाती है ईद के दौरान तो वो भी देखने जानी है तो पैसे कितने हैं मेरे पास रिसोर्सेस कितने हैं मेरे पास वो सिर्फ पाँच हज़ार रुपये हैं और मेरी इच्छाएं कितनी हैं मेरी इच्छाएं हैं अनेक इसलिए ये जो सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है ये इवॉल्व हुआ ये निकल के आया कि किस तरीके से ये जो स्कॉर्स रिसोर्सेज हैं ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनको यूज़ करके हम अपनी मैक्सिमम इच्छाओं को मैक्सिमम वांट्स को फुलफिल कर सकें रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड अनलिमिटेड थोड़ी अनलिमिटेड होती तो बात ही क्या होती सोचना ही नहीं पड़ता जितना इतना पैसा है हाँ भाई मूवी देखनी हाँ मूवी देखेंगे रिक्लाइनर पर बैठ के देखेंगे अरे पेट्रोल स्कूटी चलाने क्यों है गाड़ी चलाएंगे क्यों मेरे पास तो अनलिमिटेड पैसा है आपने कभी सुना है कि ऐसा होता है किसी के पास पैसों का हमेशा कम पड़ता है अच्छा आप कहोगे मैम पैसे का एग्जाम्पल नहीं कोई और एग्जाम्पल दो अब मेरे को एक कंट्री है ठीक है ना अब उसके पास ऑप्शन है उसके पास लैंड लिमिटेड है एग्रीकल्चरल लैंड अब उसके पास चॉइस है कि वो सारे लैंड पे एक ही टाइप का क्रॉप उगाए या कितने लैंड पे वो खारिफ क्रॉप्स उगाए कितने पे वो कैश क्रॉप्स उगाए कितने पे वो राबी उगाए कितने पे वो ऑयल सीड्स उगाए ठीक है ना कुछ 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 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का उसको इम्पोर्ट भी करना पड़ता है हर चीज़ इंडिया में थोड़ी मिल जाती है हर चीज़ इंडिया में थोड़ी उग सकती है क्या है रिसोर्स लिमिटेड है मेरे पास लैंड लिमिटेड है मेरे पास लेबर लिमिटेड है मेरे पास जो पानी सप्लाई करना है खेतों में लिमिटेड है हर कंट्री के पास लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी है कैसे क्योंकि उसके पास और उसके पास एवेन्यूज़ uh, उसके पास एरियाज जहाँ पे उसको पानी चाहिए इंडस्ट्री में पानी चाहिए स्कूल में पानी चाहिए हॉस्पिटल में पानी चाहिए खेतों में पानी चाहिए हमें डोमेस्टिक यूज रोज नहाने धोने के लिए पानी चाहिए लेकिन पानी तो पीछे लिमिटेड है तो हम किस तरीके से इन रिसोर्स को यूटिलाइज करें सो so दैट हमारी जो मैक्सिमम वॉन्ट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए इज़ वॉट इज बिंग टॉट इन इकोनमिक्स तो ये इकॉनमी क्या है इकोनॉमिक्स तो ये हो गया फिर इकोनॉमी क्या है सो पहले इकोनॉमिक्स देखते हैं डेफिनेशन इकोनॉमिक्स क्या है एक सोशल साइंस है बाई इट इज़ कॉल्ड एज अ सोशल साइंस सोशल साइंस इसलिए क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज़ कर रही है ठीक है ना कि जब इंसान को लिमिटेड रिसोर्सेज दिए जाते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करता है मान लो उसके रिसोर्सेज थोड़े बढ़ा दिए जाए तो वो जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज उसको मिले हैं वो किस चीज़ में कौन से एरिया में सबसे पहले वो अपनी इच्छाओं में बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने में घर गाड़ी बंगला उसको यूज़ करने में आ, उसको पाने के लिए अचीव करने के लिए यूज़ करेगा या वो अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर देगा हाउ द ह्यूमन हाउ दिस ह्यूमन विल बिहेव इन दिस इन इन दिस सिचुएशन जहाँ पे देर इज लिमिटेड रिसोर्सेस कंट्री में महंगाई बढ़ रही है क्या जो ह्यूमन है वो अपना खर्चा बढ़ा देगा और सेविंग कम कर देगा या वो अपना कंजम्पशन कम कर देगा मान लीजिए सब्ज़ियाँ महंगी हो गई ठीक है ना सब्जियां महंगी हो गई तो क्या मैं पहले मान लीजिए सौ रुपये महीने में सौ रुपये एक दिन में खर्चा करती थी खाना खाने पे अब मैं क्या उसकी जगह एक सौ बीस रुपये खर्च करने लग जाऊंगी या मैं अपना खाना खाने का लेवल पहले मैं तीन टाइम खाना खाती थी अब मैं दो टाइम खाऊंगी क्या करूँगी मैं ठीक है ना तो क्या हम ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज़ कर रहे हैं उसको समझ रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं ठीक है ना दैट इज़ बाय इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज़ हाउ द प्रोडक्शन सर्विसेज आर प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है किस तरीके से उसका कंजम्पन हो रहा है एंड किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ठीक है इट इज़ इट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स कॉरपोरेशन कंपनीज गवर्नमेंट्स एंड नेशंस एलोकेट देयर रिसोर्स टू मीट द डिमांड एंड नीड सो दैट दे केन मैक्सीमाइज़ देयर आउटपुट मैक्सीम वांट्स को हम सेटिसफाई कर पाएँ ठीक है ना हम ही नहीं चाहे वो गवर्नमेंट हो कोई पूरे देश की नज़रिए से देखें या हम कोई कंपनी के परस्पेक्टिव से देखें ठीक है अब इकोनॉमिक्स क्या है और इकॉनॉमी क्या है इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है ठीक है ना जो ये सारी चीज़ों को पढ़ता है समझता है बताता है ठीक है ना रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है इकॉनमी क्या है इकॉनॉमी क्या है बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है तो इकॉनॉमी इज़ अज कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोडक्शन एंड कंजम्पन एक्टिविटीज़ दैट एड इन द कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज़ बहुत सारे फैक्टर्स कि प्रोडक्शन कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन इनका इंटर कनेक्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है वो उसको उसके कलेक्शन को ये जितने भी रिलेशनशिप्स हैं कि महंगाई होगी तो प्रोडक्शन घटेगा या बढ़ेगा उससे कंजम्पशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा उससे डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये जो रिलेशनशिप है पूरा जाल है रिलेशनशिप का इसको हम पढ़ते हैं इकॉनमी में ठीक है ना बेसिक्स हम कहाँ देख लेते हैं इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स क्या है एक ऐसा सब्जेक्ट जो ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज करता है कि किस तरीके से वो यूज़ कर रहा है लिमिटेड रिसोर्सिस को टू सेटिसफाई द अनलिमिटेड वांट्स अब ये जो रिलेशनशिप्स का पूरा जाल जो डिपेंडेंसी जो गुथी हुई है वो हम कहाँ पढ़ते हैं वो इकोनॉमी में पढ़ते हैं वो इकॉनमी होती है ठीक है ना इकॉनॉमी इज इकोनॉमिक्स एट अ प्ले इन सर्टन रीजन यूजली अ कंट्री जब इन रिलेशनशिप्स को इन रिलेशनशिप्स की इंटरडिपेंडेंस इंटरकनेक्टेडनेस को हम एक लेवल पे पढ़ते हैं इज कौन से लेवल पे इकॉनमी एक कंट्री के लेवल पे पढ़ते हैं दैट इज व्हाट इज इकॉनमी ठीक है ना मैंने इस पर्टिकुलर स्लाइड uh, पे इतना टाइम इसलिए लगाया इन्वेस्ट आई वुड नॉट से वेस्ट किया स्पेंड किया इन्वेस्ट किया सो so दैट ये क्लैरिटी आना दिमाग में बहुत ज़रूरी है कि मैम हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर है या इकोनॉमी का पेपर है इकोनॉमी को समझने के लिए इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की समझ होना ज़रूरी है जब तक इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे तो इकोनॉमी में जो इंटरकनेक्टेडनेस है ऑफ डिफरेंट रिलेशनशिप्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स वो समझ नहीं आएंगे ठीक है ना तो हमें शुरुआत यहाँ से करनी है धीरे 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 इवॉल्व करते हम यहाँ पहुँच जाएंगे ठीक है चलिए इकोनॉमी कितने तरीके की होती है जो रिलेशनशिप्स होते हैं ये जो इंटरकनेक्टेड है कितने टाइप के कैसी कैसी टाइप की इकोनॉमीज होती है सो so, बेसिकली तीन तरीके की होती है एक होती है मार्केट इकोनॉमी दूसरी ना नॉन मार्केट एंड तीसरी मिक्सड इकोनॉमी अब ये कैसे पता चलता है कि कौन सी मार्केट है कौन सी नॉन मार्केट है कौन सी मिक्सड है स्टूडेंट्स इट विल ऑल डिपेंड कि जो रिसोर्स होते हैं जितने भी रिसोसेज हैं कंट्री में अवेलेबल चाहे वो मैन मेड रिसोर्सेज हैं या नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको कंट्रोल कौन कर रहा है अगर तो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि हमारी कंट्री में ये जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा ठीक है ना सारा चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में सारा चीज़ सेंट्रल अथॉरिटी कोई कंट्रोल कर रही है चाहे वो गवर्नमेंट हो वहाँ की या कोई डिक्टेटर हो या मोनार्क हो या किंग हो या बिशप हो दैट इज वॉट इज अ मार्केट दैट इज वॉट इज अ नॉन मार्केट इकॉनमी ठीक है ना वेराज इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है मार्केट इकॉनमी भाई वही चीज़ जो सारे रिसोर्सेज वहाँ एलोकेट होंगे जिस चीज़ की डिमांड है भाई अगर हमारे देश में कोई गन्ना नहीं खाना चाहता कोई शुगर नहीं कंज्यूम करना चाहता तो शुगर केन उगाया ही नहीं जाएगा गवर्नमेंट विल नॉट डिसाइड कि नहीं नहीं भाई शुगर केन तो उगना चाहिए ही चाहिए अरे डिमांड ही नहीं है लेट लेट लीव इट ऑन दी मार्केट की मार्केट क्या चाहती है वो चाहती है कि हम आ, हम टोटली ऑफलाइन में जाके पढ़ेंगे नहीं हमें तो सिर्फ ऑनलाइन घर बैठे पढ़ना है देर विल नो ऑफलाइन सेंटर्स वेर एज वेर एज इफ द मार्केट सेज मार्केट में जो लोग हैं, मार्केट में जो क्राउड है जो बच्चे बोल रहे हैं नहीं भाई हमें ऑनलाइन नहीं पढ़ना हमें तो ऑफलाइन जाके पढ़ना है टीचर के सामने बैठ के पढ़ना है देन देर विल बी नो ऑनलाइन सेंटर्स इसका ऑपोजिट क्या था नॉन मार्केट इकॉनमी गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग कि कितने ऑफलाइन सेंटर्स होंगे कितने ऑनलाइन सेंटर्स होंगे या सिर्फ ऑफलाइन सेंटर्स होंगे या सो व्हेन रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेज एनी रिसोर्सेज इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इट इज़ अ नॉन मार्केट इकॉनमी इफ इट इज़ लेफ्ट ऑन द डिमांड ऑफ द पब्लिक लेट देम डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करना चाहिए कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए मार्केट इकॉनॉमी इन दोनों का ब्लेंड होता है मिक्स्ड इकॉनॉमी जहां पे कुछ लेवल तक कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है जैसे इंडिया कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन कुछ चीज़ों में एलोकेशन ऑफ रिसोर्स रिसोर्सेज हैं वो, है, वो कहाँ यूज़ होंगे कैसे यूज होंगे कुछ एरियाज में नॉट ऑल एरियाज़ में कुछ एरियाज़ में गवर्नमेंट डिसाइड करती है जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ठीक है ना जैसे कि वेन वी टॉक अबाउट दी सेटेलाइट मिशंस ठीक है ना कौन सी सैटेलाइट लॉन्च होगी क्या मिशन लेके आएंगे अब हम मार्स पर जाने का मिशन लेके आएंगे या प्लूटो पर जाने का मिशन लेके आएंगे ठीक है ना रेलवे ट्रैक्स किस कहाँ तक बिछाए जाएंगे कौन से एरियाज तक बिछाए जाएंगे गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग बट गवर्नमेंट इज ऑल्सो एबसेंट इन सर्टेन एरियाज कि कोक बिकेगी कि मिरिंडा बिकेगी शैम्पू <coughs> बनेंगे या किताबें बनेंगी गवर्नमेंट इज़ नॉट डिसाइडिंग इन सम एरियाज़ गवर्नमेंट इज प्रेजेंट इन सम एरियाज गवर्नमेंट इज नॉट प्रेजेंट सच एन इकॉनमी इज कॉल्ड मिक्स्ड इकॉनॉमी ठीक है ना सो दीज आर दी थ्री टाइप्स ऑफ इकॉनॉमी ठीक है ना तो so, हमने क्या देखा इकोनॉमिक्स क्या होता है फिर हमने देखा इकॉनॉमी तो so, ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये तीन तरीके से डिफाइन होते हैं एक मार्केट इकॉनॉमी एक नॉन मार्केट इकॉनॉमी एंड एक मिक्सड इकॉनमी ठीक है न अच्छा एक बार हम ओके सो बेसिकली इकॉनॉमिक्स जो है ये इकोनॉमिक्स है इसकी क्या दो ब्रांचेस होती हैं ठीक है ना इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं वन इज माइक्रो अनदर वन इज व्हाट अनदर वन इज मैक्रो ठीक है micro, macro, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है जब हम जब हम बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम इंडिविजुअल का बिहेवियर एट द इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति के लेवल पर पढ़ रहे हैं दैट इज वॉट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है ना मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है जब हम कलेक्टिव बिहेवियर पढ़ पढ़ रहे हैं ठीक है ना एक तो मैं देख रही हूँ कि इस पर्टिकुलर हाउस होल्ड में ठीक है ना या इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल विच इज़ मे बी अनिल और मे बी राजू इसकी सेविंग हैबिट क्या है ठीक है ना भाई उसकी सैलरी आती है उसमें से वो कितना परसेंट सेव कर लेता है जब मैं इंडिविजुअल के नाम पे मतलब एक अनिल को की सेविंग पैटर्न को देख रही हूँ मैं राजू के सेविंग पैटर्न को देख रही हूँ हर्ष के सेविंग पैटर्न को देख रही हूँ राइट वैन आई एम लुकिंग एट दी कंट्री लेवल कि इस पूरी कंट्री में क्या टेंडेंसी है लोगों की सेव करने की डू दे सेव मोर डू दे स्पेंड मोर क्या कंपेरिजन है सेविंग एंड स्पेंडिंग का हाउ मच डू दे कंज्यूम इलेक्ट्रॉनिक्स कितना uh, वो इंटरनेट कंज्यूम करते हैं ठीक है ना क्या ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट कितनी बेरोजगारी का दर है कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है पूरे कंट्री के लेवल बात कर रही हूँ तो मैं क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ ठीक है ना इट्स स्टडीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ इट स्टडीज़ इशूज़ लाइक कैसे कैसे इशूज़ पर ये फोकस करता है इट स्टडीज़ इशूज़ लाइक कंज्यूमर बिहेवियर ठीक है ना इंडिविजुअल लेबर मार्केट्स एंड थ्योरी ऑफ फॉर्म्स इंडिविजुअल फर्म में क्या चल रहा है वहाँ का प्रोडक्शन कैसा है वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है सो इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है इंडिविजुअल हाउस होल्ड भी हो सकता है इंडिविजुअल कंपनी हो सकती है इंडिविजुअल फैक्ट्री uh, हो सकते हैं राइट right? और यहाँ पे क्या है इट इज़ अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल्स कंट्री में जितनी भी फैक्ट्रीज है वहाँ पर टोटल लेबर कितनी एम्प्लॉयड है कितने लोगों को रखते हैं कितने लोगों को रोजगार देते हैं कितने लोगों को वो एक साल में निकाल देते हैं कलेक्टिव लेवल इन टोटल लेवल एग्रीगेट लेवल राइट चलिए इट अश्योर दैट मैक्रो वेरिएबल रिमेन्स कॉन्सटेंट जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं बिच आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है टू बी ऑनेस्ट बहुत एक बार 2019 हज़ार एक बार 2021 ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं हमारा फोकस ज़्यादा कहाँ होगा ऑन दी माइक्रो इकोनॉमिक्स सो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में इट अज्यूम्स दैट जो माइक्रो वेरिएबल्स हैं वो स्टेबल हैं वो कॉन्सटेंट है क्योंकि हम हर चीज़ को मानते रहे कि ये भी चेंज हो रहा है वो भी चेंज हो रहा है तो हम कोई सा भी रिलेशनशिप डिराइव नहीं कर पाएंगे एंड वैन वी टॉक अबाउट दी माइक्रो इकोनॉमिक्स तब वहां हम अज्यूम करते हैं कि जो माइक्रो वेरिएबल्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं वो कॉन्स्टेंट है ठीक है इट मेनटे इसके मेन टूल्स क्या हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी किसी पर्टिकुलर चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड घट जाती है या बढ़ जाती है उसकी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है डिक्रीज हो जाती है और okay. यहाँ पे हम ओवरऑल लेवल पे कि कंट्री में इस साल ओवरऑल ओवरऑल डिमांड कितनी रही जैसे कि अगर आपने देखा होगा कोविड के दौरान इफ़ यू इफ यू टॉक अबाउट कोविड टाइम्स तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था पूरा ही कलेक्टिवली जो डिमांड है फॉर द मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉल कर गई थी एक्सेप्ट मेडिसिन एक्सेप्ट ऑक्सीजन सिलेंडर एक्सेप्ट हॉस्पिटल सर्विसज अद ओवरऑल चीज़ों की देर वॉज नो डिमांड फॉर रेस्टोरेंट्स देर वॉज नो डिमांड फॉर आउटसाइड फूड देर वॉज नो डिमांड फॉर न्यू क्लोथ नो शूज़ ठीक है ना टूरिज्म सर्विसेज फ्लाइट सर्विसेज ट्रेन सर्विसेज डिमांड ओवरऑल कितनी ज़्यादा घट गई थी ठीक है ना तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या कर रहे हैं हम ओवरऑल लेवल पे बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल लेवल पे एक फैक्ट्री में क्या हो रहा है एक हाउस होल्ड में क्या हो रहा है उस लेवल पे बात करते हैं ठीक है ना इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी एंड यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ठीक so, है सो ये दो डिफरेंसेस हुए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में ठीक है अनादर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स अनादर वे अनादर ब्रांच और कैटेगराइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ठीक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है इट डील्स विद हाउ द प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व सो बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है जो आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट होते हैं पूरे साल में कि भाई इतना जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हुआ इतने किलो चावल बिका इतने किलो मूंग दाल बिकी ठीक है ना इतना ओवरऑल प्रोडक्शन लेवल था कंट्री में तो जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना उसके ऊपर बात करता है ठीक है ना वेर एज नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स में क्या होता है ये इट इज़ मोर ऑफ अ ख्याली पुलाव ठीक है ना ऐसा होना चाहिए था ठीक है इतने प्रतिशत लोगों के पास जो एम्प्लॉयमेंट है वो होनी चाहिए थी कंट्री में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत एडवांस्ड मशीनरी भी प्रोड्यूस होनी चाहिए थी ये सब नॉर्मेटिव आइडलिस्टिक सिचुएशन ऐसा हो मेरा देश कैसा हो मेरा देश वैसा हो ऐसा हो एकदम एकदम आप अपनी एक फिक्शनल स्टोरी बना रहे हो ठीक है ना वेयर एज पॉजिटिव इकनॉमिक्स में क्या है भाई आपके जो पास फैक्ट्स पुख्ता फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं भाई लास्ट अगर ईयर का मैं ट्रेंड देखूँ तो इतने फ्लाईओवर्स बने हैं इतने डैम्स बने हैं एंड दे टॉक अबाउट कि अच्छा इतने डैम्स बने हैं आर दिस सफिशियंट और डू वी नीड टू क्रिएट टू मोर डैम्स ठीक है ना तो दैट इज़ पॉजिटिव इकनॉमिक्स एंडेटिव इकनॉमिक्स इज इट टॉक्स अबाउट मोर ऑफ दी आइडलिस्टिक ऐसा होना चाहिए था वैसा होना चाहिए था कैसा होना चाहिए था ठीक है नेक्स्ट इज कोई सी भी इकॉनमी हो ठीक है ना कोई सी भी कंट्री हो इकॉनमी हो देश हो जैसे समझना है हर एक कंट्री तीन प्रॉब्लम्स से गुजरती है कंट्री के परस्पेक्टिव से छोड़ो अपने परस्पेक्टिव से देखो आप भूल जाओ हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं आप तो मैं तो आपसे सिंपल सी बात कर रही हूँ कि मान लो आपने कोई नया बिजनेस चालू करना है ठीक है ना आपने क्या करना है कोई नया बिजनेस चालू करना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा वॉट टू प्रोड्यूस ठीक है ना सबसे पहला क्वेश्चन आएगा व्हाट टू प्रोड्यूस ठीक है कि आएगा कि नहीं आएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा व्हाट टू प्रोड्यूस में एग्जाम्पल कि मैं आ, कोई आई टी प्रोडक्ट बनाऊं या मैं फिर कोई खाने की स्टॉल खोलूं या मैं आ, कोई कपड़े बेचूं फिर ट्रेडिंग करूं मतलब सामान लाए सस्ते में उसको थोड़ा सा महंगे में दो चार रुपए प्रॉफिट जोड़ के भेज दिया सो वॉट टू प्रोड्यूस ठीक है ना फॉर एन एग्जाम्पल फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो एक जूस की दुकान खोल लो या आप एक मोमो की दुकान ठीक है ना यू वॉन्टेड रेस्टोरेंट मतलब जो रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलते तो आपने सोचा यार मैं तो जूस दो ऑप्शन है जूस की दुकान या मोमो की दुकान ठीक है ना देन आपने डिसाइड किया एल ओपन अ मोमो शॉप नहीं एल ओपन अ जूस शॉप ठीक है अब नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आएगा हाउ टू प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करूंगा मैं जूस वो हैंड वाली मशीन जिसमें हम ऑरेंज घुमाते थे मैनुअल मशीन या ऑटोमेटेड मशीन की ऊपर से हमने संतरा डाला गाजर डाली और मैंगो डाला और अपने आप पैनएपल डाला नीचे से शी करके जूस आ गया ठीक है ना सो बेसिकली हाउ टू प्रोड्यूस में क्या मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक को इस्तेमाल करूँगा या मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करूँगा कैपिटल मतलब जो मशीनरी ठीक है ना मोर ऑफ मशीनरी यूज करूंगा या मोर ऑफ लेबर यूज करूंगा ठीक है ना लेबर मतलब मैनुअल चीजें घुमा घुमा के संतरे का जूस नहीं कैपिटल मशीनरी इट विल ऑल डिपेंड ऑन मल्टीपल रीजन मल्टीपल फैक्टर्स पैसे कितने आपको स्टार्टअप लिए जो आपने जूस की दुकान खोलनी कितनी एक तो परमिशन कितनी मिली आपको फिर उसके बाद में भी आपके पास पैसे कितने थे आपके पास अच्छी एडवांस जूस की मशीन लाने के लिए पैसे थे कि नहीं, नहीं थे नहीं थे तो आप मैनुअल मशीन लाओगे फिर इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर उस एरिया में जहाँ पे आप जूस की दुकान खोल रहे हो वहाँ पे लेबर अवेलेबिलिटी है या नहीं है नहीं है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है आप क्या करोगे आप खोलोगे आपको आपको मशीन रखनी पड़ेगी आपको मशीन रखनी ही पड़ेगी राइट नेक्स्ट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए मैं कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को कैटर करना चाहता हूँ मैं डायबिटिक पेशेंट्स को क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो शुगर ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते हैं तो उनके हिसाब से जूस बनाऊँगा या मैं कॉलेज uh, के बाहर जो यूथ है तो उसको कैटर करूँगा तो मतलब उसको कैटर करूँगा ज़्यादा प्राइस नहीं रख सकता क्योंकि उनकी तो पॉकेट मनी कम होती है दे विल नॉट स्पेंड हंड्रेड रुपीज़ फॉर अ ग्लास ऑफ जूस ठीक है ना सो so ये जो तीन प्रॉब्लम्स होती हैं इट इज़ कॉमन टू एवरी फर्म एवरी कंट्री एवरी इकोनमी कि क्या प्रोड्यूस करना है मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज करूँ या मैं सैटेलाइट्स बनाऊँ या मैं डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाऊँ क्यों अच्छा ये सारी प्रॉब्लम हो क्यों रही है वाई ड्यू थिंक वाई डू हैव टू चूज़ वॉट टू प्रोड्यूस क्यों क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है मेरे पास क्यों क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है मेरे पास हड आई बीन हार्ड आई हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज सोचना ही पड़ता सब बनाऊंगे गन भी बनाऊंगी ब्रेड भी बनाऊंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाऊंगे जूस भी बनाऊँगी मोमो भी बनाऊंगी लेबर भी अनलिमिटेड है मेरे पास ये सब सिलेक्शन करना ही क्यों कर, पड़ रहा है आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेज यहां जो स्टार्ट की थी मैंने स्टोरी आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेज रिसोर्सेज एक इच्छाएं अनेक एंड दैट इज वाई वी हैव टू डिसाइड वॉट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस आई स्टोरी समझ इसमें कुछ डिफिकल्ट था आई डोंट थिंक so, इसमें डिफिकल्ट था बेसिक बातें कर रहे हैं बहुत जेनरिक बातें कर रहे हैं आपको पता ही नहीं था कि जेनरिक बातें करते करते ही आपको कब इकोनॉमिक्स आ गई है ऑलरेडी आती थी तो आपको पता नहीं था कि ये कॉन्सेप्ट को हम इकॉनमी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट कहते हैं क्या ये चीज़ें आपको समझ नहीं है पता है खुद को आजकल हर एक बच्चा स्टार्टअप खोलना चाहता है हर एक बच्चा ऑनटरप्रिनोर बनना चाहता है राइट right? चलिए फिर इसके बाद इसके बाद सेक्टर्स ऑफ एन इकॉनमी कोई भी कंट्री होती है कुछ सेक्टर्स होते हैं ठीक है क्या सेक्टर्स होते हैं सेक्टर्स होते हैं पांच तरीके के ठीक है ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड प्राइमरी सेक्टर ऐसा सेक्टर विच इज इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल क्या एक्सट्रैक्ट कर रहा है रॉ मटेरियल नेचुरल रिसोर्सेज ठीक है ना एक्सट्रैक्शन ऑफ नैचुरल रिसोर्सेज और प्रोडक्शन ऑफ इट ठीक है ना जैसे कि एग्रीकल्चर जैसे कि माइनिंग एक्सट्रैक्शन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का माइन खड्ढा खोद के ठीक uh, 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 है ना माइन खोद के वहाँ से इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स निकाले जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज निकाली जा रही है डायमंड की हो रही है मे बी गोल्ड हो रहा है ठीक है ना क्रूड फॉसिल फ्यूल माइन्स में ठीक है सो प्राइमरी सेक्टर इज वन विच इज रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटीरियल्स सेकेंडरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर इज द वन जो ये जो रॉ मटीरियल ये जो नेचुरल रिसोर्सेस थे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हुए थे उसको यूज करता है दे यूज इट एंड कन्वर्ट दे कन्वर्ट इन टू अनादर प्रोडक्ट कन्वर्ट इन टू अनादर प्रोडक्ट दैट हैडरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर इट इट प्रोवाइड अ हेल्पिंग हैंड काइंड ऑफ अ हेल्पिंग हैंड टू बोथ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर ठीक है ना फैक्ट्री चलाने के लिए मुझे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चाहिए मुझे इंश्योरेंस सर्विजेज चाहिए मुझे बैंकिंग सर्विसेज चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मैंने बना लिया उसको गांव से शहर तक पहुंचाने के लिए मुझे पहले तो स्टोरेज फैसिलिटी विच इज़ वेयर हाउस फैसिलिटी फिर मुझे लॉजिस्टिक फैसिलिटी मतलब दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ये सब सारी चीज़ें चाहिए ठीक है ना वो कौन प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसपोर्ट सर्विस बैंकिंग सर्विस ये सारी सर्विसेज कौन सी कैटेगरी में आती है इट कम्स अंडर द टर्शरी सेक्टर फिर आता है क्वार्टनरी सेक्शन सेक्टर पहले तो ये तीन फोल्ड क्लासिफिकेशन होता था जिसके बारे में मैं एनसीईआरटी में बात कर चुकी हूँ ठीक है ना अब टू मोर सेक्टर्स भाई इकोनोमी इवॉल्व कर रही है नए नए तरीके की सर्विसेज आ रही है नए नए तरीके की एक्टिविटीज बिल्डअप हो रही है ठीक है ना तो दो नए सेक्टर्स इवॉल्व हुए हैं विच इज क्वार्टनरी क्वार्टनरी सेक्टर में क्या होता है इट इन्वॉल्व मोर ऑफ यू कैन से रिसर्च जो होती है ठीक है ना क्वार्टनरी सेक्टर इन्वॉल्व मोर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट भाई जो रिसर्च हो रही है ठीक है ना इट इन्वॉल्व मोर ऑफ विद दी डेवलपमेंट ऑफ हाई एंड प्रोडक्ट्स हाई हाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स ठीक है ना एंड लास्ट इज क्वीनरी सेक्टर यहाँ पे ये सेक्टर इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग मान लीजिए देर आर सो मैनी पीपल हु टेक्स डिसीजन फॉर द कंट्री देर आर बिग बिग थिंग टेंस इन इफ यू टॉक अबाउट एनी कंपनी ठीक है ना वहां पे उसके खुद के थिंक टैंक्स होते हैं जो ऊपर के लेवल पे बैठ के डिसीजन लेते हैं फॉर द इंटायर कंट्री फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन तो वो किसका पार्ट हुए वो पार्ट हुए क्विनरी सेक्टर का ठीक है ना तो ये पांच काइंड का क्लासिफिकेशन का होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टनरी क्विनरी ठीक है ना अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिस इज नॉट अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में जिसको मैं नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस करूंगी जो फॉलोइंग इज नॉट क्या लिखा है इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ दी टर्शरी सेक्टर एक्टिविटी सो ये चार ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन बैंकिंग रिसर्च एंड टूरिज्म आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा जिसका आंसर सही होगा वहीं पे उसके साथ लाइक like बटन प्रेस कर दूंगी ठीक है चलिए अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बेसिकली क्या बात करता है कि भाई आपके जो रिसोर्सेज है मान लीजिए रिसो आपको दो प्रोडक्ट्स बनाने हैं ठीक है ना तो आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ठीक है ना मेरे पास मान लीजिए दस लेबर ही है ठीक है ना दस लोग हैं जो मेरे लिए काम करने को रेडी हैं। आई डोंट हैव एक्सेस टू अनलिमिटेड लेबर मेरे पास दस लोग हैं जो मेरे फैक्ट्री में काम कर सकते हैं ठीक है ना और मे मेरे फैक्ट्री uh, में दो प्रोडक्ट्स बनते हैं एक तो बनता है मे बी कॉर्न और एक बनता है कॉटन या मे बी मान लीजिए मैं बनाती हूँ ब्रेड और मैं बनाती हूँ बटर ठीक है ना अब मेरे पास ऑप्शन है मेरे पास ऑप्शन है कि किस तरीके से ये दस जो लेबर हैं ये जो दस लोग हैं इनको किस तरीके से मैं अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करूं या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जीरो लेबर यहाँ लगाऊं ठीक है ना बाकी तो कितने बचे दस लोग बचे दस के दस लोग क्या बनाएंगे बटर बनाएंगे मेरे पास ऑप्शन है मैं हाफ़ हाफ कर दूँ पाँच लोग बटर बनाएंगे पाँच लोग ब्रेड बनाएंगे मेरे पास ऑप्शन है कि दस के दस लोग ब्रेड बनाएंगे सौ ज़ीरो लोग बटर बनाएंगे मेरे पास ऑप्शन है तीन लोग ब्रेड बनाएंगे बाकी के सात बचे बटर बनाएंगे सो so, ऐसे के मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं तो जो है, ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं किसकी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ हैं अरे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मान लो मैं दो लिख दूँ तो मेरे पास आठ बची तो आठ लोग बटर बनाएंगे हो सकता है आठ लोग ब्रेड बनाएंगे दो लोग बटर बनाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो इवॉल्व डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्यों बनाने पड़ रहे हैं रिसोर्सेज लिमिटेड है आई हैव टू डिसाइड किस तरीके से कहाँ पे मुझे रिसोर्स एलोकेट करने हैं कहाँ कौन सा रिसोर्स बांटना है तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं जब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं दैट इज़ वॉट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कि क्या क्या डिफरेंट प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या डिफरेंट प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं दैट इज़ वी दैट इज़ वॉट वी टॉक अबाउट अंडर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ठीक है ना तो इसको जब हमने वो अलग अलग जो कॉम्बिनेशन थे उनको ग्राफ पे अच्छा यू डो टू वरी ऑन अबाउट हाउ डू वी मेक दी ग्राफ क्योंकि आपसे ना प्रबल में ना मेन में ग्राफ के बारे में पूछा जाएगा कि भाई मुझे ग्राफ बना के बताओ ये तो सिर्फ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो ग्राफ है उसकी फ़ोटो लगाई है मैंने यहाँ पे कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ये गुड ए है ये गुड बी है ठीक है ना क्या क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशन दो यहाँ लगाऊंगा आठ वहाँ लगाऊंगा ठीक है ना तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बन गया अब इस पर जो पॉइंट्स है अलग अलग दैट शोज समथिंग ठीक है ना ये पॉइंट ई शो करता है कि आपने अपने रिसोर्सेज को ठीक से भी यूटिलाइज नहीं किया देर इज मोर पोटेंशियल आप अगर ठीक से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते तो आपका प्रोडक्शन और बढ़ सकता था सो पॉइंट ई ऑन दी ग्राफ शोज इन एफिशियंट यूटिलाइजेशन इट शोज इन एफिशियंट यूटिलाइजेशन इन एफिशियंट यूटिलाइजेशन ठीक है ए पॉइंट शो कि हमने सारे के सारे रिसोर्सेज कहाँ डाइवर्ट uh, कर दिए इन द प्रोडक्शन ऑफ ए पॉइंट डी शोज कि मैंने अपने सारे के सारे रिसोर्सेज कहाँ डाइवर्ट कर दिए इन द प्रोडक्शन ऑफ डी एंड कोई भी रिसोर्स ए को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है एंड पॉइंट एफ इज़ समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव ये एक आइडलिस्टिक सिचुएशन है ठीक है ना सो पॉइंट एफ जो है ये आउट ऑफ द स्कोप ऑफ ग्राफ है ये देख रहे हो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बना ये ग्राफ बना ये लाइन बनी इसके बाहर है ये एफ़ दिस इज समिंग इट इज सच अ कॉम्बिनेशन जो कभी अचीव ही नहीं हो सकता ठीक है ना फॉर एन एग्जाम्पल ये जैसे गुड्स गुड ए था या हम किसका ब्रेड एंड बटर का एग्जाम्पल ले रहे थे ना ये हो गई ब्रेड ये हो गया बटर कहना से दस यहाँ पे लगाऊंगा लेबर दस यहाँ लगाऊंगा दैट इज नॉट पॉसिबल इन इट सेल्फ क्यों मेरे पास क्योंकि टोटल लेबर ही दस है तो मैं दोनों में कैसे लगा सकता हूँ ठीक है ना यहाँ पे दस और यहाँ पे दस ये तो बीस लोग हो गए थे तो मेरे पास दस ही सो दिस इज़ समथिंग इम्पॉसिबल टू अचीव सो एफ पॉइंट शोज़ कॉम्बिनेशन विच इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव पॉइंट ई शोज़ कि अभी भी देर इज स्कोप कि आप ठीक से एलोकेट करोगे रिसोर्सेज तो आपका यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ हो जाएगा आपका आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा पॉइंट ए शोज़ कि सारा का सारा हमने जो रिसोर्सेज है डाइवर्ट कर दिए दी प्रोडक्शन ऑफ़ गुड ए पॉइंट डी शोज़ कि हमने सारा का सारा अपने रिसोर्सेज कहाँ डाइवर्ट कर दिए इन दी प्रोडक्शन ऑफ गुड बी ठीक है सो दैट वॉज अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर लेट नाउ लेट मूव ऑन टू द न्यू कॉन्सेप्ट बाई द नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है देखो अभी क्या हमने देखा अगर मैं अगर मैं यहाँ पे पांच ब्रेड पांच लेबर आ, ब्रेड में बनाने में लगा रही हूँ तो मेरे पास सिर्फ पांच ही लेबर बचेगी बटर बनाने के लिए अगर मैं लेबर यहाँ इंक्रीज कर रही हूँ ठीक है ना तो मतलब यहाँ पे दस लेबर हो गई तो मतलब मुझे यहाँ पे कितनी लेबर करनी पड़ेगी यहाँ ज़ीरो तभी तो पॉसिबल है यहाँ पे दस लोगों को एम्प्लॉय करना दस काम वाले मजदूर थे मेरे पास दस के दस मैंने यहाँ लगा दिए ठीक है ना मैं एक भी यहाँ पे नहीं लगा पा रही हूँ मतलब ब्रेड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए मुझे बटर का प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है ठीक है ना मुझे मान लीजिए अगर मुझे बटर का प्रोडक्शन मुझे यहाँ पे लेबर ज़्यादा लगानी है मैंने सात लेबर यहाँ एम्प्लॉय कर दी मतलब यहाँ के लिए कितनी बचेगी सिर्फ तीन सो वॉट इज़ दिस शो मुझे बटर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ब्रेड के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा क्यों क्योंकि मेरे पास लेबर लिमिटेड है अब लेबर या तो बटर बनाएगी बटर ज़्यादा बनाना है तो मतलब ब्रेड कम बनाएगी ठीक है ना तो रिसोर्सेस को मैं अल्टरनेट यूज़ कर रही हूं रिसोर्स एक या तो ए या तो ब्रेड तो तो बना सकता है या बटर बना सकता है ठीक है ना तो ज्यादा बटर बनाने के लिए मैं ब्रेड का प्रोडक्शन को कॉम्प्रोमाइज कर रही हूं ठीक है ना मतलब मैं कुछ पाने के लिए कुछ खो रही हूं समझ आएगी नहीं समझ आई मैं ब्रेड पाने के लिए बटर खो रही हूं मुझे बटर ज्यादा बनाना है तो मुझे ब्रेड का प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो मतलब बटर पाने के लिए मैं क्या खो रही हूँ ब्रेड के प्रोडक्शन को अब देखो तुम्हारे पास टाइम अगर तुम अपना एग्जाम्पल देखो तुम्हारे पास 24 घंटे हैं तुम्हारे पास 24 घंटे हैं ठीक है ना 24 फोर आवर्स है Now यू हैव एन ऑप्शन कि भाई तुम जाके मूवी देखो ठीक है ना या तुम पढ़ लिख के कुछ बन जाओ दो ऑप्शन है शुड आई स्टडी और शुड आई वॉच मूवी ठीक है ना इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच मूवी यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर रेगुलर स्टडीज इफ़ यू वॉन्ट टू इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दी लेटेस्ट मूवीज एट आर कमिंग है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सबसे ईजी तरीका होता है समझने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और वो जो हम खो रहे हैं जो हम खो रहे हैं उसी की कॉस्ट को क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सो व्हाट व अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू व्हाट यू हैव टू टू गिव गिव अप अप आपने क्या किया इच्छा बी अपडेटेड विद द लेटेस्ट मूवी पठान आई ये नहीं देख पाए मुझे नहीं पता चला उसमें किसने किसको कैसे मारा था वॉट एवर यू हैव टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेन समथिंग इन ऑर्डर टू गेट समथिंग इज वॉट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कुछ पाने के लिए कुछ हासिल करने के लिए एग्जाम में टॉप करने के लिए मैंने क्या क्या खोया मैंने इंस्टा बंद किया मैंने व्हाट्सएप बंद किया अपने फ्रेंड्स को एक बार बोल दिया कि तुमको मेरे को सपोर्ट करना है तो ठीक है नहीं समझते बट इट इज ओके सो आई गेव अप ऑन माय फ्रेंड्स इज़ वेल सो मेरे को क्या पाना था आई वॉन्ट टू क्रैक द एग्जाम इन दी फर्स्ट गो तो कुछ पाने के लिए जो मुझे खोना पड़ा इज दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो मेरे टाइम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है वॉट एवर आई हैिवन अप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सोशलाइजिंग ओके चलो सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस पे एक पीवाई क्यू है ठीक है ना इसका जो पी वाई क्यू है आई uh, थिंक वो आगे पीछे हो गया है सो so, ये रहा यस सो राठारह में क्वेश्चन आया था इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू दी पब्लिक जनता को ठीक है ना गवर्नमेंट द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट में गुड्स बांटे गए हैं देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ़ दैट विल बी जीरो या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इग्नोर ही कर दी गई है तो ये चीज़ समझो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते हो कैसे इग्नोर करोगे रिसोर्स को अगर आप ए ए की जगह बी में यूज़ कर रहे हो तो आप अपने उसी टाइम आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट तो एप्लीकेबल हो गया ना इग्नोर कैसे हो रहा है तो ये जो गुड्स हैं ठीक है ना इनको गवर्नमेंट के पास ऑप्शन था कि भाई बेचती हूँ उसके बदले उनको कुछ पैसे मिलते बट अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं वो जो गुड्स थे मान लीजिए मेडिसिन थी मान लीजिए गवर्नमेंट के पास कुछ मेडिसिन थी ठीक है ना गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन हैं इसको बेच के वो या पैसे कमाए ठीक है ना या इसको फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दे फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दे द गवर्नमेंट द मूवमेंट द मूमेंट द गवर्नमेंट डिसाइडेड कि मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट बांटूंगा या बांटूंगी तो गवर्नमेंट को अपने आप ही पैसों गिव अप करना पड़ गया फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स बांटने के लिए गवर्नमेंट को किस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा कुछ पाने के लिए किस पे गिव अप करना पड़ा जो पैसे जो गवर्नमेंट को इनकम होती उसके ऊपर तो क्या हमने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इग्नोर हो रही है नहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो इग्नोर हो ही नहीं सकती जैसे रिसोर्स का हम दूसरा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो ये गलत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो ज़ीरो कैसे हो सकती है सोचो क्या क्या ज़ीरो कैसे थी यहाँ पे गवर्नमेंट को पैसे मिलते भाई पैसे मिल रहे थे अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट बांटेगी उसको तो ये जो पैसे थे जो इनकम थी गवर्नमेंट इज लूजिंग ऑन इट गवर्नमेंट इसको गवा रही है अपने हाथ से तो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो नहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट ज़ीरो चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू द टैक्स पेइंग पब्लिक ठीक है ना कुछ जनता होती है जो टैक्स पे नहीं करती है क्यों क्योंकि क्यों, 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 उनकी इनकम उस कैटेगरी में फॉल नहीं करती है uh, कि वो टैक्स पे करें अपनी इनकम के ऊपर वेर आर देर आर सम पीपल जो ईमानदारी से पूरा टैक्स देते हैं क्योंकि क्यों, क्यों, उनकी इनकम पर टैक्स लगता है ठीक है ना तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो थी ये जो कॉस्ट जो थी कि ये यह जो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स बटे वो कॉस्ट किसके ऊपर ट्रांसफ़र हो गई उन लोगों के ऊपर जो टैक्स दे रहे हैं क्योंकि इस टैक्स के बलबूते जो पैसा इकट्ठा होता है उसी से तो ये गुड्स आए थे उसी से तो ये मेडिसिन आई थी अब गवर्नमेंट के ऊपर था कि वो उससे पैसे कमाती या उसको फ्री ऑफ़ कॉस्ट बांटती तो ये किसके ऊपर अल्टीमेटली बिल किसके ऊपर फटा गया वाला ये जो फ्री ऑफ़ कॉस्ट मेडिसिन बांटी गई इसको ख़रीदने के लिए गवर्नमेंट को पैसे लगे थे वो गवर्नमेंट के पास जो पैसे थे वो कहाँ से आए थे वो पैसे आए थे जो टैक्स के द्वारा पैसा कलेक्ट किया गया था उससे आए थे सो द फ्री ऑफ कॉस्ट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पर्सन टू द टैक्स पेइंग पब्लिक फिर से सोचना इसके ऊपर कि ये जो पैसा लगा था टू परचेज द मेडिसिन जिसको गवर्नमेंट ने फ्री में बांट दिया वो पैसा कहाँ से आया था गवर्नमेंट के पास वो पैसा आया था बाय लिवाइंग टैक्सेस ठीक है ना तो जो ईमान जो जिसने टैक्स दिया उसके उसके पैसे तो लग गए बट जो पर्सन जिन्होंने टैक्स नहीं दिया था उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा क्योंकि उसका पैसा उसकी जेब से गया नहीं सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गॉड ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू द टैक्स पेइंग पब्लिक ठीक है ना तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉट द कन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ठीक है ना अब चलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर मार्केट क्या होती है सबसे पहले उसके लिए समझेंगे मार्केट ऐसी जगह होती है जहाँ आपको जो चाहिए वो जाके आप ले आते हो देर आर पीपल कुछ जो सामान बेच रहे हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामान ख़रीदने जाते हैं तो जो ये ख़रीदने वाले और बेचने वाले जब एक जगह पे मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं मार्केट बोलते हैं मार्केट फिजिकल भी होती है आप खुद जाके सामान देख रहे हो खरीद रहे हो और लेके आ रहे हो ठीक है ना आजकल नई मार्केट आ गई है कुछ सालों से ई मार्केट ठीक है ना ई मार्केट आपको जाना नहीं पड़ रहा आप वेबसाइट खोलो वहाँ पे बेचने वाले बैठे हुए हैं सामान और आप वहाँ से सामान के फोटोज़ वोटोज़ देख के ऑनलाइन पेमेंट करके सामान मंगा लेते हो सो मार्केट इज़ बेसिकली क्या वॉट मार्केट इज अ प्लेस जहाँ पे जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं बेचने वाला अपना सामान बेचता है ख़रीदने वाला अपना सामान खरीदता है ठीक है ना सो मार्केट इज़ अ प्लेस वि बायर्स एंड सेलर्स कम टू क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटीज़ टेक प्लेस क्या होता है परचेज़ होती है और सेल होती है कमोडिटीज़ की ठीक है ना अब मार्केट्स मार्केट्स डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की होती हैं नाउ वो जो प्रकार है वो कैसे बने हैं कि कितने नंबर ऑफ़ बायर्स हैं कितने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में कितने नंबर ऑफ़ सेलर्स हैं ठीक है ना कितना कंपटीशन है मार्केट को क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं कैसे भाई कितने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं कितने नंबर ऑफ़ बेचने वाले हैं कितने नंबर ऑफ़ ख़रीदने वाले हैं क्या लेवल ऑफ कंपटीशन है उसके बेसिस पे हम मार्केट को जो है आइडेंटिफाई करते हैं और क्लासिफाई करते हैं ठीक है ना आ, हाँ. सो मार्केट स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप ठीक है ना तो हमने मार्केट देखा मार्केट क्या होता है अब हम देखते हैं कि वॉट आर दी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ देम तो क्या थे पांच तरीके से हम मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हैं फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन नेक्स्ट इज मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑलिगोपॉली एंड मोनोप्सनी ठीक है ना तो फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है पूरे मार्केट में एक टाइप का प्रोडक्ट है एक एक टाइप का नहीं एक प्रोडक्ट है ठीक है ना और बहुत सारे लोग बहुत सारे खरीदने वाले हैं बहुत सारे बेचने वाले हैं इसमें आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एक मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे लोग बेचने के लिए बैठे प्रोडक्ट बहुत सारे लोग खरीदने के लिए बैठे प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है इन पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम है ठीक है ना फॉर एन एग्जाम्पल आप अगर शैम्पू की मार्केट देखो ठीक है ना तो कोई शैम्पू वाला बोलता है भाई मेरे शैम्पू में एलोवेरा है ठीक है ना कोई शैम्पू वाला बोलता है मान लीजिए कोई कंपनी बोलती है भाई मेरे इसमें कैरेटिन की मात्रा ज़्यादा है कोई शैम्पू का प्रोड्यूसर या बेचने वाली कंपनी बोलती है मेरा शैम्पू सल्फेट सल्फेट फ्री है ठीक है ना तो कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विशमेंट है ठीक है ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है किसी में कोई मिनरल ज़्यादा है किसी में कोई न्यूट्रिशन ज़्यादा है राइट बट इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन वॉट द सिचुएशन परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहता है कि भाई मेरे जितने भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं ठीक है ना एक ही टाइप का शैम्पू जिसमें एलोवेरा जेल है और वो ही सब बेच रहे हैं ठीक है ना सो देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलिंग दी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट आइडेंटिकल और क्लोज प्रोडक्ट क्या हो गया शैम्पू है एक बोल रहे शैम्पू में एलोवेरा एक बोल रहा है शैम्पू सल्फ्रेड फ्री एक बोल रहे शैम्पू में कैरेटिन ज्यादा है ठीक है ना दे आर क्लोजली रिलेटेड और आइडेंटिकल बट नॉट सेम सेम क्या होता है कि भैया एक ही प्रकार का शैम्पू है जिसमें ए बी सी डी इंग्रेडिएंट्स हैं और सारे के सारे जितने भी मार्केट में सेलर्स हैं वो वही पर्टिकुलर शैम्पू बेच रहे हैं ठीक है ना दैट इज व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन भाई तेरे पास भी वही प्रोडक्ट है मेरे पास भी वही प्रोडक्ट है तो कॉम्पिटिशन लेवल क्या होगा बहुत ज़्यादा होगा ठीक है ना दे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर एकदम एग्जैक्ट स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ठीक है ना स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट सेलर्स हैव फ्रीडम टू एंटर और एग्जिट दी मार्केट भाई सेलर जो होते हैं बेचने वाले हैं उनके पास अपने आप ऑप्शन है आपको आना है घुसना है क्योंकि दूसरी मार्केट जब हम पढ़ेंगे उसमें आप देखोगे उनमें एंट्री लेना या एग्जिट लेना इज नॉट दैट इजी ठीक है ना बट विद रिस्पेक्ट टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में एंट्री लेना मार्केट से एग्जिट लेना इज इज ईजी ठीक है ना फॉर्म्स फेस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व दिस ये आपको तब समझ आएगा जब हम डिमांड कर्व के बारे में बात करेंगे बट इसके बारे में आपको ऐसे समझ लीजिए कि, कि किसी भी किसी भी सेलर ने ठीक है ना ए बी सी तीन सेलर्स हैं ए बी सी तीन लोग हैं बेचने वाले ठीक है ना भाई प्रोडक्ट ही सेम है एकदम सेम है ठीक है ना अब अगर ये ये दस रुपये का प्रोडक्ट है मान लीजिए बी ने प्राइस ग्यारह रुपये कर दिया डोंट यू थिंक कि विल लूज ऑल दी मार्केट कोई खरीदेगा बी बी दुकान पर जाके खरीदेगा नहीं लोग बोलेंगे जब सेम प्रोडक्ट ए दस रुपये में या सी वाली दुकान दस रुपये में बेच रही तो मैं तुम्हारे पास क्यों जाऊँ मैं क्यों आऊँगा सो बी विल लूज ऑल कस्टमर्स द मोमेंट बी विल इंक्रीज दी प्राइस सिमिलरली मान लीजिए सी ने प्राइज कर दिया नौ रुपए तो लोग कहेंगे अरे भाई क्यों में जाके सेम शैम्पू है सेम सब कुछ उसके इंग्रीडियंट्स हैं तो मैं सी से क्यों नहीं लूँ जो वो नौ रुपए में बेच रहा है सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग एग्जैक्टली द सेम प्रोडक्ट एंट्री एंड एग्जिट इज़ फ्री इट्स ईजी एंड जो डिमांड है वो बड़ी सेंसिटिव है प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है जैसे किसी ने ऊपर किया या नीचे किया प्राइस दे विल आई इधर गेन दी कस्टमर्स दे लूज दी कस्टमर्स बट इन रियल वर्ल्ड इफ़ यू आस्क मी वन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन दे इज़ नो सच सिचुएशन जहाँ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करता हो क्यों द रीज़न इज कोई भी एकदम आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं बेचेगा अपने प्रोडक्ट को सब थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे कोई आपको मोमो के साथ दो चटनी दे देगा ठीक है ना कोई आपको मोमो के ऊपर तंदूरी सॉस डाल के देगा कोई बोलेगा कि मैं आपको फ्राइड मोमोज देता हूँ ठीक है ना बट आप मान लो आप एक ऐसी जगह गए जहाँ सब स्टीम मोमोज बेच रहे हैं कोई डिफ्रेंसीशन नहीं है एक ही प्रकार की चटनी मिल रही है आपको एक कटोरी में डाल के मिल रही है ना उसकी साथ सजावट करी हुई है ना उसको सुंदर बनाया हुआ है दैट इज़ अ सिचुएशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन ठीक है ना एक सिचुएशन होती है मोनोपली ठीक है ना मोनोपली क्या होता है मेरा ही होल्ड है पूरी मार्केट पे मेरे पास मैं जो जो प्रोडक्ट है सिर्फ एक सेलर है उसका मार्केट में जैसे कि इंडियन रेलवेज ठीक है ना अब मैं वो प्रोडक्ट महंगा बेचूं सस्ता बेचूं किसी एक जने को कम में बेचूं किसी एक जने को ज्यादा में बेचूं क्या कर लोगे इंडियन रेलवेज का कोई सब्सटीट्यूट है तो वो तो ऑल्टरनेटिव हो गया कि भाई बस जाओ बट अगर आपको ट्रेन सर्विसेज कंज्यूम करनी है इंडिया में यू हैव टू गो टू इंडियन रेलवेज ओनली क्या कोई प्राइवेट कंपनी है नहीं जैसे कि एयरप्लेन्स में देखो एयर एशिया फ्लाइट महंगी दे रही है विस्तारा में चले जाएंगे विस्तारा महंगी दे रही है इंडिगो में चले जाएंगे इंडिगो बीच में खाना नहीं दे रही है तो एयर इंडिया में चले जाएंगे बट इन केस ऑफ मनोपली देर इज ओनली वन सिंगल सेलर ऑफ प्रोडक्ट देर इज़ ओनली वन सिंगल सेलर ऑफ प्रोडक्ट एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज इंडियन रेलवेज इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज इंडियन रेलवेज कोई है ही नहीं मार्केट में बेचने वाला ये जो रेलवे सर्विसेज हैं सिर्फ एक कंपनी बेच रही है विच इज़ इंडियन रेलवेज कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है सब्सटीट्यूट मतलब उसको ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है रेलवेज़ का क्लोज ऑल्टरनेटिव क्या है कोई और है क्या रेलवे सर्विसेज़ जो चल रही है भाई विस्तारा का ऑल्टरनेटिव है एयर एशिया एयर एशिया का ऑल्टरनेटिव है इंडिगो ठीक है ना आप कहोगे मैम अरे रेलवे से नहीं रोड से जाएंगे अरे वो तो ऑल टुगेदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप रे रेलवे में देखो ना वो तो रोड ट्रांसपोर्ट हो गया या एयर ट्रांसपोर्ट हो गया व्हेन यू कंपेयर अक्रॉस एयर ट्रांसपोर्ट यू हैव चॉइसेस व्हेन यू कंपेयर अक्रॉस रोड ट्रांसपोर्ट यू हैव चॉइसेस बट व्हेन यू कंपेयर डू यू हैव एनीथिंग टू कंपेयर इन रेल ट्रांसपोर्ट यू डू नॉट हैव यू जस्ट ऑप्शन है क्या दैट इज इंडियन रेलवेज ठीक है ना सो दिस इज वन सिंगल सेलर सेलिंग द प्रोडक्ट नो क्लोज सब्सटीट्यूट कोई सब्सटीट्यूट नहीं है उसका रिस्ट्रिक्शन है भैया एंट्री एंड एग्जिट में आज तक गवर्नमेंट ने अलाउ किया है क्या कि कि किसी और को प्राइवेट पार्टी को आने में कि भैया आप भी आके अपनी ट्रेन चला लो क्योंकि monopoly के केस में क्या होता है रिस्ट्रिक्शन होती हैं गवर्नमेंट डज नॉट वॉन्ट कि इसमें और प्लेयर्स आए अगर होता अगर ये सब नहीं सोचती तो गवर्नमेंट अलाउ कर देती ना प्राइवेट पार्टीज भी चला रही होती जब प्राइवेट पार्टीज जहाज़ चला रही है तो ट्रेन नहीं चला सकती बट नहीं यहाँ पे गवर्नमेंट क्रिएट दैट सच सिचुएशन दे डोंट वांट मोर प्लेयर्स इन दी मार्केट दे जस्ट वांट कि एक के हाथ में ही सारा कंट्रोल होना चाहिए एक के हाथ में ही क्या होनी चाहिए मनोपली होनी चाहिए ठीक है ना एंड दिस इज डिस्क्रिमिनेशन क्यों क्योंकि फॉर दी प्रोवाइडिंग सेम सर्विस और गुड वो क्योंकि सिंगल सेलर है मगर ऑप्शन नहीं है उसके पास ऑप्शन है कि वो राजू को दस रुपये की टिकट दे और उसी उसी चीज़ को वो पंद्रह रुपये में किसी और को बेचे तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टेक्स प्लेस तो इस पर किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है इस पर्टिकुलर सेक्शन में से यू नीड टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट मान लीजिए आपको एक सिचुएशन बना के केस स्टडी बना के दे दें कि देर इज अ मार्केट विच एग्जिस्ट इन दिस कंट्री इट हैज़ फॉलोइंग कैरेक्ट्रिस्टिक्स ठीक है ना दर इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन दर इज वन सिंगल सेलर ठीक है ना एंड देर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट आइडेंटिफाई तो उसमें आपको ऑप्शन दे दे इज मोनोपली मोनोप्सनी है ऑलिगोपोली मोनोपोलिस्टिक सो यू नो द आंसर इट इज़ मोनोपली ठीक है नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में क्या होता है अगेन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ठीक है ना प्रोडक्ट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू ईच अदर बट कुछ ना कुछ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होता है तुमने आ, एक ने मोमो के साथ दो चटनी दे दी ठीक है ना एक ने तंदूरी मोमो तंदूरी चटनी डाल दी एक ने बहुत फैंसी सी पैकिंग कर दी एक ने बना दिए कुरकुरे मोमो बेसिक प्रोडक्ट सेम है मोमो सेम है ठीक है ना बट क्या हो रहा है थोड़ा बहुत उस प्रोडक्ट के साथ ट्वीकिंग करके मैं बोल रही हूँ कि भाई ये देखो मेरा प्रोडक्ट इससे बेटर है मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा टेस्टी है मेरा प्रोडक्ट सस्ता भी है ठीक है ना सो प्रोडक्ट्स आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल आइडेंटिकल एकदम स्टैंडर्डाइज नहीं है थोड़ा बहुत चेंजेस हैं इसमें जैसे शैम्पू जैसे कोक एंड अप, काली हैं दोनों ठीक है ना, पैसे भी हैं बट थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट में फ़र्क है पेप्सी थोड़ी ज़्यादा मीठी है कोक में कोक इज़ मीडियम एंड अप में फिज ज़्यादा है तो तीनों काली कोल्ड ड्रिंक राइट फ्रीडम टू एंटर और एग्जिट दी मार्केट एनी टाइम इसमें भी क्या है लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन अपनी मर्जी है आओ और मर्जी है जाओ मोनापली में क्या हो रहा था दे वॉज दे वॉज रिस्ट्रिक्शन इन दी एंट्री ओ और टू एग्जिट दी मार्केट एंट्री इज नॉट एज इजी एज़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्यों क्योंकि ऑलरेडी दस स्टॉल लगी हुई हैं मोमो बेचने वाली तुम्हारे पास या तो कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट हो या तुम्हारे पैसे कम हो ठीक है ना वरना कैसे कंपटीशन को फेस करोगे वहाँ पे ठीक है हेवी कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ हेवी कॉस्ट ऑन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट इज स्पेंड यू सी हाउ मच पेप्सी स्पेंडिंग कभी कभी किसी मैच की जर्सी पे पेप्सी का नाम होता है ठीक है ना यू सी हाउ हाउ मच हाउ मच दी एटेक्स आर स्पेंडिंग हाउ मच द बिग कंपनीज आर स्पेंडिंग बिकॉज वाई दे वॉन्ट टू कम इन द लाइमलाइट दे वॉन्ट टू प्रमोट डेम सेल्सवी प्रमोशनल कॉस्ट इज एसोसिएटेड विद मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ठीक है ना एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स uh, होते हैं जैसे कि uh, uh, ये हमारे फ्रिज हो गया जैसे हमारा कोल्ड ड्रिंक हो गई जैसे बटर हो गया जैसे ब्रेड हो गई राइट चलिए नेक्स्ट इज ओलेगोपोली ठीक है ना ओलेगोपॉली क्या होता है इसमें कुछ सप्लायर्स पॉसिब होते हैं ठीक है ना मोनोपोली में क्या था एक ही सप्लायर था एक ही सेलर था ओलिगोपोली में क्या होता है सप्लायर्स लिमिटेड होते हैं बायर्स अनलिमिटेड होते हैं ठीक है ना सेलर्स जैसे कि हमारी कंट्री में अगर आप देखो ऑटोमोबाइल तो गिनी चुनी कंपनीज है इज टाटा इज महिंद्रा देर इज़ वॉक्स वेगन वो भी बाहर की है ठीक है ना तो इंडियन प्लेयर्स कितने कम, है? कम है, हैं सेलर्स कम हैं बायर्स बहुत ज़्यादा हैं ठीक है ना चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाई वन फॉर्म इन्फ्लुस द अदर अगर लग रहा है कि टाटा सस्ती सी गाड़ी लेके आने वाले विच इज़ नैनो ठीक है ना तो क्या मारुति नहीं लेके आई ऑल्टो इन्फ्लुएंस किया ना उससे पहले मारुति कहाँ कैटर कर रही थी इनफैक्ट इफ़ यू सी जो जो लग्जरी कार के ब्रांड है दे आर ऑल्सो कमिंग इन टू दिस पाँच छः लाख वाली सेगमेंट या चार पाँच लाख वाली सेगमेंट बाय बिकॉज लिमिटेड सेलर्स हैं एक कुछ हरकत कर रहा है तो उसका प्रभाव दूसरों पर भी आएगा लिमिटेड सैलर पता है कि दूसरे पे शिफ्ट कर जाएंगे लोग ठीक है ना बायर इतने सारे सेंसिटिव है तुम नहीं दोगे वो टाटा से जाके खरीदेंगे गाड़ी मारुति से जाके खरीदेंगे ऑल्टो राइट बैरियर्स टू एंट्री एग्जिस्ट एग्जाम्पल ऑयल एंड डीजल कंपनी सेमी कंडक्टर मैनुफैक्चरिंग कितने कम सेमी कंडक्टर मैनुफैक्चर भाई कुछ इतनी एक तो कंट्री इतनी लिमिटेड है जो सेमी कंडक्टर बना रही है उसमें कंपनीज भी बहुत लिमिटेड है ठीक है ना एंड द लास्ट इज मोनोप्सनी मोनोप्सनी में क्या है देर इज वन सिंगल बायर और देर इज जस्ट लिमिटेड बायर सेलर्स अनेक खरीदने वाले बहुत कम बनाने वाले बहुत ज़्यादा जैसे कि मान लीजिए एक एरिया है एक कंट्री है जहाँ पे आ, एक ही कंपनी कोल उसको कोल की मैन्युफैक्चरिंग अलाउड है ठीक है ना वेरस कोल की माइंस बहुत ज़्यादा है एक कोई कंट्री है या कोई पर्टिकुलर रीजन है ठीक है ना वहाँ पे कोल की माइंस बहुत सारी हैं ठीक है ना बहुत सारे लोग कोल की माइनिंग कर रहे हैं ठीक है ना लेकिन कंट्री में कोल के प्रोडक्शन की कोल uh, की प्रोडक्शन की परमिशन एक ही कंपनी को है मान लीजिए कोल लिमिटेड एक ही कंपनी है जिसको कोल की प्रोडक्शन की क्या है परमिशन है तो ये जितनी कोल माइंस कोल प्रोड्यूस करेंगी वो किसके पास बेचने जाएंगी तो बायर क्या है बायर लिमिटेड है या एक है बायर क्या है एक है या लिमिटेड है एंड जो सेलर्स हैं वो अनलिमिटेड है

तो उसको अब हम डिफाइन करेंगे कि भाई ये लॉ ऑफ़ डिमांड जो है वो क्या कहता है तो लॉ ऑफ डिमांड में हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में मेंटल ब्लॉकेज बनाना कि लॉ ऑफ डिमांड अरे सीधी बहुत सीधी सी बात है और इस चीज़ को अगेन एज यूजुअल हम शुरू से प्रैक्टिस करते हैं हमें पता है हम वैसे ही रैशनली बिहेव करते हैं राइट तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है सीधी सी कहानी है कि जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस अच्छा सबसे पहली बात तो ये किन दो चीज़ों का रिलेशनशिप डिफाइन करता है ठीक है ना तो लॉ ऑफ डि डिमांड जो है ये प्राइस ऑफ अ कमोडिटी किसी भी चीज़ का किसी भी वस्तु का किसी भी गुड्स का किसी भी सर्विसेज का प्राइस और क्वान्टिटी डिमांडेड ठीक है ना उस किस चीज़ में प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्बलिश करता है ठीक है ना तो अब ये लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही सीधा सा है लोगों ने यूं हल्ला बनाया हुआ है इस बारे में भाई ये कहता है किसी भी चीज़ का कोई गुड है उसका प्राइस जब बढ़ जाएगा उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी अब एक एग्जाम्पल समझाऊंगी एक बार मैं समझ जाओगे तुम लोग ठीक है मैंने क्या बोला मैंने नहीं बोला लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है जब भी किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो घट जाती है ठीक है ना और अगर प्राइस घट जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो जाती है मतलब इन दोनों में ऑपोजिट रिलेशनशिप है इनवर्स रिलेशनशिप है एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी एग्जाम्पल ठीक है ना हम डोमिनोज गए ठीक है ना डोमिनोज गए तो कोविड से पहले के टाइम में वहाँ पे वो जो पर्सनल पैन है वो सौ रुपये का आ जाता था तो हम उस टाइम दो पिज्ज़ाज खा लेते थे ठीक है ना ये प्राइस हो गया ये उसकी क्वांटिटी डिमांडेड हो गई तो हम जब कोविड से पहले वाले टाइम पे डोमिनोज जाते थे सौ रुपये का पिज्ज़ा आता था, था तो हम दो पिज्जाज खा लेते थे ठीक है ना कोविड के बाद महंगाई बढ़ गई ठीक है ना अब मैं गई <coughs> तो पिज़्ज़ा हो गया डेढ़ सौ रुपये का ठीक है ना डेढ़ सौ रुपये का पिज़्ज़ा हो गया जेब में तो उतना तो तो ही पैसे थे पापा ने पॉकेट मनी बढ़ाई नहीं थी अब आप क्या करोगे भाई महंगा हो गया पिज़्ज़ा पहला यार कुछ नहीं तो एक ही पिज्ज़ा दे दे एक ही पिज्ज़ा से मन भर लेंगे पेट भी उसी से भर लेंगे ठीक है ना अब आपको पता चला अचानक से सिचुएशन फिर से ठीक है ना प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड ये होता है कि नहीं होता है हमारे साथ होता है ना तो सौ रुपये का पिज्ज़ा था पहले मैं दो पिज़्ज़ा खाती थी ठीक है ना डोमिनोज गई कूपन लग गया कोई कूपन जो चलते रहते हैं ना कूपन लग गया पिज़्ज़ा मेरा सस्ता हो गया अब मुझे पचास रुपये का ही पिज़्ज़ा पड़ रहा है या मुझे अब पचत्तर रुपये का पिज़्ज़ा मिल रहा है ठीक है ना क्यों कूपन लग गया था कोई ऑफर चल रहा था सो पिज़्ज़ा का प्राइस नीचे चला गया पचहत्तर रुपये का पिज़्ज़ा हो गया तो अब मैं क्या करूँगी ज़्यादा पिज़्ज़ा खाऊंगी आई वुड वॉन्ट कि अरे भाई अब तीन पिज्जा खा लेंगे यार अपन दोस्त मिलके होता है कि नहीं होता है होता है ना सो so, क्या रिलेशनशिप है इनवर्स रिलेशनशिप है ठीक है ना किस चीज़ का प्राइस एंड क्वान्टिटी डिमांडेड का सो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वान्टिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज हो जाती है ठीक है ना आप कहोगे मैम मैं तो बहुत ही अड़ियल हूँ चाय पिज्जा 500 का भी हो जाए तो भी मैं चीज़ बर्स्ट ही खाऊंगी तो इसीलिए जब भी हम कोई सी भी लॉ कोई सा भी थ्योरम मैथ्स में पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हमें कुछ चीज़ों को कांस्टेंट मान के चलना पड़ता है हमें कुछ चीज़ों को फिक्स करना पड़ता है वरना आप तो बोलो मैम कोई बात नहीं पापा को बोलेंगे पिज्जा महंगा हो गया पापा ज़रा थो थोड़े पैसे ट्रांसफ़र करना अकाउंट में सो so, इसलिए हम कुछ चीज़ों को कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं जैसे कि हमारी जो इनकम है वो कॉन्स्टेंट है हमारे जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज हैं वो भी कॉन्स्टेंट रह रहे हैं अदरवाइज आप कहोगे कि मैम फ़र्क ही नहीं पड़ता पाँच सौ का हज़ार भी ले ले डोमिनोज वाला आज तो भाई चीज चीज़वर्स ही खाएगा नहीं वी आर अज्यूमिंग कि ह्यूमन इज़ अ रैशनल पर्सन ठीक है ना uh, उसकी इनकम भी चेंज नहीं हो रही उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी चेंज नहीं हो रहे हैं तो वो सब अगर उनको कांस्टेंट मान लो तो वो जो रिलेशनशिप निकल के आता है वो ये है वो क्या है कि भाई जैसे ही किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है जैसे ही किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है ये बढ़ गया उसकी जो क्वान्टिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाती है जैसे ही किसी चीज़ का प्राइस फॉल करता है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज कर जाती है तो मतलब क्या है इनवर्स रिलेशनशिप है लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है ठीक है जी चलो ईजी था ना बिल्कुल ईजी था मुझे ही पता है तुम लोगों को भी शुरू से पता था बस तुम्हें नहीं पता था इसको लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं डिटर्मिनेंस ऑफ डिमांड डिमांड किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी सर्विस का किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है सबसे पहला उसकी प्राइस ऑफ द कमोडिटी प्राइस तो हम डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर दुकान से हमें कितने सामान खरीदने आज अगर सस्ती शर्ट है या आज सेल लगी हुई है तो हो सकता है मैं दो जींस खरीद लूँ अगर फुल प्राइस पे मिल रही है तो एक ही जीन्स खरीद के आ जाऊंगी ठीक है ना सो so, सबसे पहला फैक्टर विच हैज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज इट्स प्राइस ठीक है चलिए प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स ठीक है ना ये पढ़ेंगे इसके बारे में कि कौन से रिलेटेड गुड्स की मैं बात कर रही हूँ एंड देन इज़ इनकम ऑफ द कंज्यूमर कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसमें हमारी जब इनकम बढ़ती है जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है हम उनको कंज्यूम करना बंद कर देंगे फॉर एन एग्जाम्पल जब मैं स्टूडेंट फेज़ में थी तो अपन ऊबर बाइक पर जाते हैं अपन ऑटो यूज़ करते हैं अपन मेट्रो यूज़ करते हैं क्योंकि लिमिटेड सी पॉकेट मनी है उसी में ही सारा महीने का खर्चा चलाना है अब भैया तनख्वाह अब सैलरी लग गई वो जॉब लग गई है सैलरी आती है तो हम क्या कभी कभी क्या कर रहे हैं अब हमने मेट्रो में जाना छोड़ दिया ऊबर मोटर बाइक जाना छोड़ दिया ओला बाइक पे जाना छोड़ दिया अपन तो अपनी गाड़ी लेके जाते हैं या वरना एटलीस्ट कैब तो करते ही करते हैं ठीक है ना तो क्या हुआ जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी मैंने कुछ चीज़ों को यूज़ करना कुछ गुड्स को कंज्यूम करना कुछ सर्विसेज को कंज्यूम करना बंद कर दिया है ठीक है ना तो उनके बारे में भी अब हम पढ़ेंगे सो आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी पहले समझाइए अब नाउ विल गो डीप डाउन इनटू द स्टोरी कि भाई किसी भी चीज़ का डिमांड किसी भी चीज़ की क्वांटिटी डिमांडेड किन किन चीज़ों को कैस उसके ऊपर किस किस चीज़ का इन्फ्लुएंस पड़ता है फर्स्ट प्राइज ऑफ़ दैट गुड ठीक है ना प्राइज ऑफ़ द रिलेटेड गुड ठीक है ना उससे संबंधित जो गुड्स है एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इसके लिए हमको पढ़ने पड़ेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स टाइप्स ऑफ गुड्स में सबसे पहला होता है सब्सटीट्यूट गुड्स सब्सिट्यूट गुड्स क्या होते हैं जो गुड्स ये एन में वैसे कवर करवा चुकी हूँ एन सी आर टी कहाँ कवर कवर करवाई थी यूट्यूब चैनल ऑफ यू वाला ठीक है ना वहाँ पर ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुकी हूँ बट स्टिल एक बार फिर से बताती हूँ सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं जो आप एक नहीं है तो उसकी जगह उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट यूज़ कर लो कोक नहीं है तो थम्सअप पी लूँगी थम्सअप नहीं है तो पेप्सी पी लूँगी राइट चाय नहीं है तो कॉफ़ी पी लूँगी कॉफ़ी नहीं है तो चाय पी लूँगी ठीक है ना तो सब्सटीट्यूट गुड्स के, के केस में क्या होता है मान लीजिए अगर प्राइस प्राइस ऑफ कॉफ़ी या प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हो गया है प्राइस ऑफ़ टी इंक्रीज हो गया ठीक है ना चाय पत्ती महंगी हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी क्या होगा ऑब्वियसली फॉल करेगी क्यों क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड है ठीक है ना प्राइस इंक्रीज तो चाय पत्ती महंगी हो गई तो लोग चाय कम कंज्यूम करेंगे इसका क्या कुछ इफेक्ट कॉफ़ी के ऊपर आएगा हाँ क्योंकि लोग इमीजिएटली स्विच कर जाएंगे कॉफ़ी के ऊपर क्योंकि चाय पत्ती महंगी हो गई अब कुछ तो चाहिए किक लाने के लिए कुछ तो चाहिए बस लाने के लिए तो क्या होगा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफ़ी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफ़ी विल गेट इंक्रीज़ क्यों लोग अब क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस तो इंक्रीज़ हुआ नहीं सिर्फ चाय पत्ती का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है तो लोग क्या इमीजिएटली स्विच कर जाएंगे कॉफ़ी पे इसको फिर से समझते हैं ठीक है ना प्राइस ऑफ थम्स अप आप मान लीजिए पेप्सी महंगी हो गई प्राइस ऑफ पेप्सी महंग बढ़ गया तो लोग पेप्सी का कंजम्पशन गिरा देंगे तो क्या इसका बेयरिंग क्या इस चीज़ का इफ़ेक्ट कोक और थम्स अप की सेल में पड़ेगा हाँ बिल्कुल पड़ेगा पीपल विल इमीजिएटली शिफ्ट टू द कंजम्पशन ऑफ थम्स अप और कोक तो सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है अगर प्राइस ऑफ़ द गुड एक्स या आपके सब्सटीट्यूट गुड के प्राइस में कुछ भी चेंज होता है अगर वो बढ़ रहा है तो लोग दूसरे गुड पे शिफ्ट हो जाएंगे अगर वो घट रहा है तो फिर भी चेंज करेंगे राइट चलिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं जो एक साथ यू, यूज होते हैं कॉम्प्लीमेंट एक साथ दो हंसों का जोड़ा एक साथ यूज हो रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल फॉर एन एग्जाम्पल इंक प्लस पेन फॉर एन एग्जाम्पल कार प्लस पेट्रोल आप बोलोगे नहीं मैम मेरी तो डीजल वाली गाड़ी है आप बोलो यार कार प्लस पेट्रोल कर लो कार प्लस डीजल कर लो ठीक है ना अब इस केस में क्या होगा <coughs> मान लीजिए प्राइस ऑफ कार प्राइस ऑफ़ कार क्या हो गया इंक्रीज हो गया गाड़ियाँ महंगी हो गई तो गाड़ियों की जो डिमांड है मार्केट में कम हो जाएगी क्यों क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है ठीक है ना अब जब गाड़ियाँ ही नहीं बिक रही जब गाड़ियाँ ही नहीं बिकरी है तो डू यू थिंक लोग पेट्रोल ख़रीदेंगे लोग डीजल खरीदेंगे नहीं पेट्रोल और डीजल लोग यूजली क्यों खरीदते हैं भाई गाड़ी में डलवाना है इसलिए जाके पेट्रोल पंप से डलवाते हैं तो गाड़ी नहीं बिकरी है तो क्वान्टिटी डिमांडेड क्वान्टिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल या डीजल वो भी फॉल कर जाएगा क्यों क्योंकि गाड़ी नहीं बिक रही कोविड के टाइम ये हुआ था कोई गाड़ियाँ चल ही नहीं रही थी नई शोरूम से कोई गाड़ी ले नहीं रहा था तो क्रूड ऑयल बिक ही नहीं रहा था ठीक है ना इतनी बुरी हालत हो गई थी कि शिप्स जो थी जो जो क्रूड ऑयल लेके आती है दे वर स्ट्रैंडेड इन द मिडल ऑफ द ओशन क्योंकि कोई भी कंट्री उसको अपने यहाँ पे लेने को तैयार नहीं था जब डिमांड ही नहीं है कंट्री में क्रूड ऑयल की तो वो ख़रीद के क्या करे डिमांड ही नहीं है पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं नई गाड़ियाँ बिक नहीं रही हैं ठीक है ना सो प्राइस ऑफ कार जब इंक्रीज हुआ तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड तो डायरेक्टली डिक्रीज हो गई लेकिन उसके साथ साथ जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड था वो भी उसकी भी जो डिमांड है वो भी डिक्रीज हो गई क्यों क्योंकि ये चीजें जो होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं वो साथ में यूज होते हैं और इसके ऊपर प्रिलम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है प्रिलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है इट्स अ वेरी 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 इजी कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड सब्सिट्यूट गुड्स सब्सिडी गुड्स जो एक दूसरे की जगह यूज़ हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक साथ यूज होते हैं तो उनका अगर एक का क्वांटिटी डिमांड फॉल होगा तो दूसरे की भी डिमांड जो है वो फॉल कर जाएगी नॉर्मल गुड्स नॉर्मल गुड्स होते हैं जिसमें जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है आप नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन भी बढ़ा देते हो जैसे कि आपके वाइट गुड्स होते हैं जैसे कि आपके वाइट गुड्स हो गए लाइक ए सी टी वी फ्रिज इनकम इंक्रीज हो रही है आप नॉर्मल गुड्स को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो इन्फीरियर गुड्स तुच्छ क्वालिटी के ठीक है ना जैस जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है आप कुछ चीजों का कुछ गुड्स का कुछ सर्विसेज का कंजम्पशन गिरा देते हो अच्छा आप कहोगे मैम हो सकता है जो चीज मेरे लिए इन्फीरियर हो वो आपके लिए इन्फीरियर ना हो ठीक है ना किसी के लिए एक हॉस्पिटल में जाना इनफीरियर इन्फीरियर है किसी के लिए नहीं है बट हमें कहीं तो एक आज़मशन मान के चलना होगा कि भाई जब मेरे पास पैसे नहीं थे आई यूज़ टू गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर माई इलाज ठीक है ना बट मेरे पास पैसे हैं तो अब मैं क्या करूँगी कहाँ पर सर्विस लूंगी आई एल ऑल्सो गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ वेटिंग नहीं है जहाँ पे अटेंशन ज़्यादा मिलेगी ठीक है ना पहले के टाइम में जवार बाजरा ये जो कोर्स ग्रेन होते हैं आजकल तो इट इज़ अ ट्रेंड टू ईट देम टू कंज्यूम दे डाट क्योंकि भाई आजकल सब जिम कर रहे हैं सबको बॉडी बनानी है सबको फाइबर कंज्यूम करना है आज से कुछ सालों पहले ये जो जवार बाजरा रागी इन सबको क्या इंफीरियर प्रोडक्ट्स कि भाई ये तो गरीब खाता है ठीक है ना या जिनके यहाँ ज़्यादा पैसे नहीं है वो लोग ये खरीदते हैं क्योंकि वो चावल अनाज ये सब नहीं खरीद सकते ठीक है ना सो जैसे ही इन्फीरियर गुड्स आर दो गुड्स जिसमें जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है आप इन गुड्स का जो कंजम्पन है वो फॉल कर जाता है ठीक है ना नेक्स्ट <coughs> आते हैं गिफिन गुड्स गिफिन गुड्स क्या होते हैं ऐसे गुड्स जिसमें जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है उसका क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो जाता है ये कैसे <coughs> अभी तो आपने बोला था मैम लॉ ऑफ डिमांड सेज कि जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है उसकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो ये कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हो गिफ इन गुड्स में क्या हो रहा है जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो रही है सो बाय दिस वॉट यू हैव टू रिमेंबर इज बाय दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट गिफ इन गुड्स इज़ एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड वॉट गिफ इन गुड्स इज एन एक्सेप्शन टू द एल ओ डी विच इज लॉ ऑफ डिमांड ठीक है ना गिफ इन गुड्स जैसे कि मान लीजिए यूजुअली <coughs> ये रोजमर्रा में यूज आने वाले प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि पोटैटो एक एग्जाम्पल समझाती हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा ठीक है ना आई थिंक मैंने इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखती है ठीक है इसको सही कर देते हैं मम्मी बाजार गई ठीक है ना मम्मी सब्जी लेने गई थी मम्मी को वहां जाके दुकानदार ने बोला कि भाभी जी महंगाई बढ़ रही है और हाँ हो सकता है आने वाले हफ़्ते में जो ये प्याज टमाटर का भाव है आलू का भाव है ये और बढ़ जाएगा ये सौ रुपये किलो पहुँच जाएगा ये जो पोटैटोज हैं ये सौ रुपये किलो पहुँच जाएंगे अभी जब मम्मी गई थी आज बाज़ार तो ये पचास रुपये किलो मिल रहे थे तो मम्मी क्या करेगी मुझे पता है आलू तो खाना ही है बच्चों ने अगले हफ़्ते भी आलू चाहिए क्योंकि हर सब्ज़ी में आलू डलता है वॉट शील डू इज़ कि भैया आप ऐसा करो मुझे पाँच किलो आलू आज ही पैक कर दो क्योंकि आप कह रहे हो अगले हफ्ते सौ रुपये किलो हो जाएगा ठीक है ना <laughs> तो अभी तो आप मुझे पचास रुपए किलो के हिसाब से पाँच किलो पैक करके अभी अभी दे दो तो यहां पे क्या हुआ मुझे पता चल रहा है कि द प्राइज इज इंक्रीजिंग द प्राइज इज इंक्रीजिंग लेकिन द क्वान्टिटी डिमांडेड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग सो इट इज डिफाइंग इट इज इट इज डिनाइंग इट इज एन एक्सेप्शन टू वॉट इट इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड सिमिलरली वेबलिन गुड्स इट इज़ अगेन एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड क्यों क्योंकि ये भी क्या कहता है ये वेबलिन गुड्स क्या होते हैं यूजली ये लग्जरियस गुड्स होते हैं ठीक है ना इसके केस में ये होता है कि जितना प्राइस इन गुड्स का ऊपर होता है लोगों को लगता है भाई बहुत कुछ खास बात होगी सो पीपल स्टार्ट डिमांडिंग इट मोर फोन तो आपका सैमसंग में भी उठ जाता है फ़ोन तो आपका रेडमी में भी उठ जाता है देर आर अदर कंपनीज ऑल्सो बट कुछ दिमाग में है आई फोन का कीड़ा ठीक है ना ये जो एक्सपेंसिव वॉच होती है You also do not know कि उसमें क्या खास है कि ये जो घड़ी है पांच लाख की बिक्री है बट स्टिल पांच लाख की बिक्री है जरूर कुछ खास बात होगी तो आपका एम और एम्बिशन बन जाता है कि जब मैं कमाऊँगा तो भैया ये पांच लाख वाली रोलैक्स खरीद के लाऊंगा होता है कि नहीं होता है इसलिए तो तुम लोग मेहनत कर रहे हो ना इसलिए तो तुम लोग पढ़ रहे हो राइट सो वेबलिन गुड्स केस में भी क्या होता है ठीक है ना दे शो वॉट दे शो स्टेटस सिंबल स्टेटस सिंबल इसके केस में भी क्या होता है जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है इसकी भी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज होती है क्यों क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई ज़रूर कुछ खास बात होगी तभी इसका प्राइस बढ़ रहा है तो पीपल स्टार्ट डिमांडिंग इट मोर सो दीज टू आर दी एक्सेप्शन टू दी लॉ ऑफ डिमांड तो बाई दिस हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो ख़त्म हो गया अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई पे लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है जैसे लॉ ऑफ डिमांड पड़ा वैसे अब लॉ ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जैसे 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 किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है उसका क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है उसका क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो जाता है ठीक है कैसे एक दुकानदार है वो पांच चीज़ें बेचता है ठीक है ना या मल्टीपल चीज़ें बेचता है जिसमें से पांच चीज़ें ए बी सी डी ई e. उसे पता चल रहा है कि सी जो है इसका ना प्राइस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है मार्केट में ठीक है प्राइस बढ़ता जा रहा है मतलब मार्जिन भी बढ़ेगा ठीक है ना उसमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो वो किस चीज़ को बेचने में इंटरेस्टेड होगा वो प्राइ वो कमोडिटी सी को बेचने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा वो क्या करेगा क्वान्ट जो कमोडिटी सी है उसकी सप्लाई बढ़ा देगा जब ये बिक रहा है इसकी डिमांड है प्राइस भी बढ़ रहा है लो इसकी सप्लाई बढ़ा दो सो लॉ ऑफ सप्लाई सेज दैट दर देर इज इंक्रीज इन द प्राइज ऑफ अ कमोडिटी देर इज साइमटेनियस इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो तो इसमें क्या हो गया पॉजिटिव रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप पॉजिटिव कैसे <coughs> दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे प्राइस ऊपर जाएगा क्वांटिटी सप्लाइड भी ऊपर जाएगा प्राइस नीचे जाएगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी नीचे आएगा ठीक है चलिए हमारे लास्ट जो कॉन्सेप्ट जो बचे हैं इट इज़ इनविजिबल हैंड्स एंड पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट सो इनविजिबल हैंड्स क्या कहता है इनविजिबल हैंड्स समथिंग विच इज़ इनविजिबल तो ये जो थ्योरी है ना ये एडम स्मिथ ने प्रपाउंड करी थी स्कॉटिश फिलासफर थे बहुत ही महान ये जितने इकोनॉमी के मेजर मेजर कॉन्सेप्ट है लाइक like जी ये ये इन्हीं की देन है इन्हीं की वजह से आपको ये जो है सब पढ़ना पड़ रहा है इन्हीं का दिया हुआ दुख है ये जो आपको झेलना पड़ रहा है ठीक है सो इनविजिबल हैंड्स तो इसमें इनका कहना था ये इनविजिबल हैंड्स एक ऐसे मार्केट फोर्सेस हैं जो अपने आप मार्केट में चीजें अपने आप बैलेंस कर देते हैं ठीक है कैसे एग्जाम्पल मान लीजिए Uh, अचानक से जो गाड़ियां हैं उनका प्राइस इंक्रीज़ हो गया कार्स हैं वो बहुत महंगी बिकने लग गई ठीक है अब इसका प्राइस नीचे कैसे आएगा क्या तो गवर्नमेंट पकड़ के लाए या दुकानदार पकड़ के लाए क्या होता है कैसे ये जो अचानक से बूम ये जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ था कार्स का ये अपने आप वापस स्टेबल कैसे आएगा तो मान लीजिए अचानक से कार्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया कार्स का प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो गई एज सिंपल एज डैट अब क्वांटिटी डिमांड डिमांड ही नहीं है गाड़ियों की तो फैक्ट्री वाले गाड़ियां बना के क्या करें उनको दिख रहा है मार्केट में कोई लेने को ही तैयार नहीं है गाड़ियां सो so, फैक्ट्री वाले क्या करेंगे फैक्ट्री <coughs> वाले नो प्रोडक्शन नो प्रोडक्शन या लेस प्रोडक्शन नो या चलो लेस करेंगे आप कहोगे मैं थोड़ी होता है लेस नो no, बिल्कुल कोई भी नहीं खरीदेगा लेस मान लेते हैं लेस प्रोडक्शन ऑफ कार्स ठीक है ना तो पहले मान लीजिए सौ गाड़ियां बन रही थी अब मान लीजिए सिर्फ तीस बन रही है तो ये जो सत्तर गाड़ियाँ कम बनी मतलब अब मुझे लेबर भी कम चाहिए पहले मुझे बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स चाहिए थी कि सौ गाड़ियाँ बनती थी अब ठीक है जैसे तैसे गुजारा चल रहा है तीस गाड़ियाँ ही बेच पाते हैं तीस गाड़ियाँ ही बनाते हैं तो ये जो बाकी की खाली लेबर है इसका क्या होगा इनको फैक्ट्री से बाहर कर दिया जाएगा मतलब जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्या बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट इनका रोजगार गया इनका जो यहाँ पे जो वर्कर्स थे जो ये सत्तर गाड़ियाँ एक्स्ट्रा बना रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट अब इनके पास पैसे नहीं है ठीक है ना क्योंकि तनख्वाह आ नहीं रही है निकाल दिया गया है ठीक है ना तो अब क्या हो रहा है इनके पास नो मनी टू स्पेंड इन मार्केट नो मनी टू स्पेंड सो ओवरऑल डिमांड अगेन क्या वर, ए, क्या हो गई इकोनॉमी में ओवरऑल डिमांड धीरे धीरे ऐसा सिर्फ एक ये तो मैं आपको सिर्फ़ एक सेगमेंट का एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ सिर्फ कार इंडस्ट्री का एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ ऐसा मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में मल्टीपल सेक्टर्स में काम होता है तो जाके अपने आप जो प्राइस है वो नीचे आ जाता है तो अभी हमने सिर्फ एक क्योंकि अगर मैं आपको मल्टीपल एग्ज़ाम्पल्स को एक साथ कनेक्ट करके समझाती तो आपको नहीं समझ आएगा ठीक है ना तो so इसलिए हम कहाँ से स्टार्ट होते थे गाड़ी के एग्ज़ाम्पल से गाड़ी के प्राइस इंक्रीज़ हो गए उसकी क्वान्टिटी डिमांड डिक्रीज़ हो गई फैक्ट्री वालों ने बोला मैं बना के क्या करूँ तो जो खाली बैठे लेबर थी उनको निकाल दिया अब उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है ना तनख्वाह नहीं रही घर में तो नो मनी टू स्पेंड इन मार्केट ऐसे करते करते पता नहीं कितने ही लेबर को निकाल दिया गया ठीक है ना दूसरी दूसरी फैक्ट्रीज में तो ओवरऑल डिमांड इन इकॉनॉमी ओवरऑल डिमांड इन इकॉनॉमी क्या हुई ओवरऑल डिमांड इन इकॉनमी नीचे चली गई अब और डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में किसी भी चीज़ की तो गाड़ी वाले ने सोचा अगर मैं इसी रेट पे बेचता रहूँगा तो मेरा सामान बिकेगा ही नहीं तो गाड़ी वाला सोचेगा क्या करता हूँ लेट मी गिव सम डिस्काउंट्स लेट मी गिव सम डिस्काउंट्स और रिड्यूस दी प्राइस और रिड्यूस दी प्राइस तो अपने आप गाड़ी का जो प्राइस है अल्टीमेटली अपने आप जो गाड़ी का प्राइस है अल्टीमेटली वो नीचे आ जाएगा तो अब ये किसी ने कुछ थोड़ी किया है किसी का इसमें एक्टिव इन्वॉलमेंट थोड़ी था इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन दी प्राइजेज ये क्या हुआ ये अपने आप हुआ सो दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज इनविजिबल हैंड्स इनविजिबल फोर्सेज है मार्केट में जो अपने आप क्यों और ऐसा क्यों है क्योंकि इकोनमी में हर पहलू एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है एक चीज़ पे इम्पैक्ट आएगा उसका इम्पैक्ट आगे दूसरी चीज़ों पे भी आएगा एंड हेंस इनविजिबल हैंड्स द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे इज़ पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रपाउंड किया गया था एक और महान इकोनमिस्ट द्वारा जिनका नाम है जॉन कीन्स बहुत सारे बच्चे फोटो देख के भी समझ गए होंगे इन्होंने क्या कहा था इन्होंने बोला कि कई बार जो हम सेविंग करते हैं ठीक है ना आप सैलरी आती है उसमें से कुछ पैसे बचाते भी होंगे तो कई बार वो जो सेविंग यूजुअली जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है समटाइम्स इट कुड बी डेट्रीमेंटल टू दी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे भाई ऑलरेडी इकोनॉमी क्या है वो इकनॉमी रिसेशन में जैसे कोविड के बाद हुआ था कोविड के बाद डिमांड ही नहीं थी मार्केट में अगर उस टाइम लोग खर्च करने की बजाय ये सोचते कि नहीं नहीं मैं हर चीज़ जो है वो सेव कर लूँ सारा पैसा सेव कर लूँ तो मार्केट में अगर सभी इसी सोच के लोग आ गए या इसी टेंडेंसी के लोग आ गए तो मार्केट में कोई जाएगा सामान खरीदने ही नहीं जाएगा आपकी भी तो कोई ना कोई दुकान होगी आपका भी तो कोई ना कोई बिजनेस होगा ठीक है ना मान लीजिए अगर मेरा ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है तो मैं तो ये थ्योरी से चल रही हूँ कि मैं खर्च नहीं करूँगी चीज़ों पे एंड लेट अदर पीपल डू दैट मैं तो सेव करूँगी ठीक है अपने तक अगर मैं सोचूँ ये सोच बहुत बढ़िया है अगर यही सोच सब लेके बैठ गए तो मेरा ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है वो क्या अपने आप में इफ़ेक्ट नहीं होगा क्यों क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट क्या कर रही थी मैं ट्रांसपोर्ट सामान ही तो कर रही थी तभी तो मेरा बिज़नेस चलता था कि भाई किसी फैक्ट्री को बिस्किट्स के पैकेट गोडाउन से भिजवाने हैं मार्केट तक तो अब अब बिस्किट बिक ही नहीं रहे हैं क्योंकि सब क्या कर रहे हैं सब इस टेंडेंसी पर काम कर रहे हैं कि भाई मैं तो सेव करूँ तो उसका इम्पैक्ट भले ही मैंने सेव किया है या नहीं किया है मेरे पे भी आएगा भले ही मैं बिस्किट बेच रही हूँ नहीं बेच रही हूँ उस पर मेरे पे भी आ रहा है क्यों क्योंकि मेरा बिज़नेस मेरा बिजनेस कहीं ना कहीं इकोनमी में दूसरे बिजनेसिस पे डिपेंडेंट है तो जब वो ही चीज़ें नहीं चल रही हैं तो मेरा बिजनेस भी कैसे चलेगा सो so समटाइम्स पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट सेज दैट समटाइम्स सेविंग विच एक्चुअली इज अ गुड हैबिट कैन एक्ट एज डेट्रीमेंटल और कैन बी डेट डेट्रीमेंटल टू दी इकोनमी ठीक है ना एंड स्पेशली इन दिचुएशन ऑफ रिसेशन वेयर पीपल ट्राई टू सेव तो उस टाइम क्या होता है ये बैकफायर कर जाता है आपको ठीक है ना सो दैट इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट इससे ज़्यादा आपको पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट और इनविजल हैंड्स के बारे में जानने हैं और डीप डिग करने की जरूरत नहीं है ठीक है ना तो इसके साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो हो गया ख़त्म ठीक है ना मिलेंगे नए चैप्टर विच इज़ चैप्टर टू में हम बात करेंगे नेशनल इनकम की ठीक है ना कॉन्सेप्ट कुछ कुछ यहाँ क्लियर किए है हमने अब हम बात करेंगे नेशनल इनकम की नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे विच इज़ टूमारो एंड उस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैंने आपको इस सेशन में दिए हैं उसको बहुत ही कम टाइम में आपके साथ डिस्कस करूंगी टिल देन व्हाट आई विल वेट फॉर इज आपके कमेंट्स आपके राइट आंसर्स इन दी कमेंट बॉक्स So, see you with the next session on national income. Goodbye, and all the best to all of you.